पहले आप बात करो, पहले उनको कर ले तो लगा लूंगा, बोलने लगा आवाज से। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से लाइव आ जाइएगा। बिल्कुल जसवंत, गुड इवनिंग भाई। अनिल जी, गुड इवनिंग। जामुजी ने विष्णु अंसा, थैंक यू। जोगेंद्र जी, जल्दी से लाइव आ जाएं। अपने साथियों को भी शेयर करें, परोपकार का जमाना है, उनका भी भला हो जाए। शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। अगले 1.5 से 2 घंटे मेरे लिए और आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। गुड इवनिंग सिमी जी, गणेश जी, जय हिंद। बिल्कुल राम राम जी, भीम जी। थैंक यू डियर। चलिए वापिस सभी को एक साथ गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका साथी रामकुमार विश्नोई स्वागत करता हूं गुरु नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब लाइव सेशन में। देखिए डियर, ऊपर वाले से दुआ करता हूं, ऊपर वाले से अरदास करता हूं कि आप सभी अपने घरों पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे। प्लस आपका जो अल्टीमेट एम है, आपका जो अल्टीमेट एम है, नॉरसेट हुआ, BFUHS हुआ, DSSS हुआ और खूब सारे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन आप दिन रात कर रहे होंगे, पूरी लगन के साथ में कर रहे होंगे। कैसे हैं सभी लोग? बिल्कुल हाँ, मैं तो अच्छा हूँ। आप कैसे हैं बिट्टू जी, आप बताएं? नहीं, जवाब आ रहा है कि सर गुड गुड गुड। नहीं, गुड हमारी डिक्शनरी में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में तो खासकर गुड है ही नहीं, जो मेरे साथी लोग हैं वो जानते हैं। हाँ, आप जवाब आने लगे हैं। बिल्कुल धासु, क्या बात है। मैं यहां धासु, आप वहां धासु और माहौल भी बिल्कुल धासु। चलिए जी डियर, आपके साथ में दो तीन बहुत बेहतरीन चीजें शेयर करना चाहता हूं। मैं दो तीन बेहतरीन चीजें शेयर कर रहे हैं, दो तीन खुशी की बातें शेयर कर रहा हूं। पहली खुशी की बात, गुरु नर्सिंग अकेडमी ने एक नया इतिहास रच दिया है, अपना परचम लहराया है। आपके एक साथी राहुल भट्ट, राहुल भट्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, IGIMS पटना में ऑल इंडिया पे फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, फर्स्ट रैंक लेके आए हैं और इसी मंडे को राहुल भट्ट को ज्वाइनिंग मिली है। गुरु नर्सिंग अकेडमी के एक होनहार छात्र राहुल भट्ट, देखिए इस चीज का जिक्र करने का मेरा मकसद क्या है। पिछले साल सेम कंडीशन थी, पिछले टाइम पे भी लॉकडाउन था,
कुछ बच्चे कोचिंग कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। राहुल भट्ट भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से था जिनकी कोचिंग आधी अधूरी रह गई थी। लेकिन उसके बाद राहुल गढ़ गुरु नर्सिंग अकेडमी की फैकल्टीज के रेगुलर कॉन्टैक्ट में था, खासकर मेरे, और राहुल ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और अनवरत लगा रहा। लॉकडाउन पीरियड में भी लगा, जब बाकी सारी दुनिया ढीली हो गई थी, लूज हो गई थी, उस कंडीशन में भी राहुल भट्ट बिल्कुल तैयारी के साथ में डटा रहा। और आज उसका परिणाम साथ में है कि राहुल ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में फर्स्ट रैंक अचीव कर ली है। तो बधाई के पात्र हैं राहुल भट्ट, बधाई के पात्र है उनकी मेहनत, गुरु नर्सिंग अकेडमी की टीम, ये पवित्र मंच बधाई के पात्र हैं। याद रखिएगा, राहुल से इंस्पायर होना है पहली चीज। दूसरी खुशी की न्यूज़, खासकर पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज BFUHS ने नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। आज 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसा कि BFUHS का इतिहास रहा है, खासकर पिछले टाइम पे भी, 1 तारीख को नोटिफिकेशन निकालना और 29 को एग्जाम कंडक्ट करवा देना, होप्स हो जहां तक हमें लगता है इस बार भी सेम पैटर्न होगा। इट मींस पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए 1 महीने का समय है, और केवल पंजाब ही नहीं, वो सारे स्टूडेंट्स जिसके पास में थर्ड लैंग्वेज पंजाबी थी, गुरुमुखी लिपि थी, जिनके पास पंजाबी लैंग्वेज थी, उनके लिए बेहतरीन मौका है, याद रखिएगा, इस एग्जाम को क्रैक करने का। और तीसरी खुशी की चीज़ DSSSB दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो है, जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट करवाने जाएगा, अभी नहीं फ्यूचर में, खुशी की चीज़ यह है कि कल एक सर्कुलर जारी किया है उन्होंने, सभी लोगों से सलाह मांगी है, जिसमें 5000 समथिंग पोस्ट के लिए, 5000 से अबव 5000 प्लस पोस्ट के लिए कुछ नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए हैं, नए RR डिसाइड किए गए हैं, और उन रिक्रूटमेंट रूल्स पे उन्होंने अपना कमेंट मांगा है, अपने सजेशंस मांगे हैं सभी के। इट मींस नियर फ्यूचर में, होप सो 1 मंथ या 1.5 मंथ में भी DSSSB भी आपके सामने 5000 वैकेंसीज, 5000 पोस्ट का पिटारा खोलने वाला है, एक बेहतरीन मौका निकलने वाला है। दूसरा, जैसा कि पहले से डिसाइड है, सितंबर का मंथ NORSET 2021 के लिए, 2021 के लिए, और इस बार ऐसे पूरे चांसेज हैं कि बंपर वैकेंसी निकलेगी NORSET में भी, मोर देन 5000 की वैकेंसी होगी, यानी अप्रोक्स किया जाए, एक्यूमुलेट किया जाए तो आपके सामने 10000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो अभी जागे नहीं हैं, उनको जाग जाना चाहिए, और जो जागे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अपनी स्पीड अप कर देना चाहिए, अपने एफर्ट्स को बढ़ा देना चाहिए। चलिए डियर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। हमारा आज का टॉपिक डिसाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेके आया हूं, जो स्टडी करवाने वाला हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। बेसिकली क्या होता है, इस टॉपिक को बच्चे कॉलेज लेवल में भी स्टडी कर लेते हैं और सुपरफिशियल स्टडी कर लेते हैं। तो जब आप बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से टच नहीं करते, और यही भूल हो जाती है कि इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। आज अगली 1.5 घंटे की क्लास ऐसी होने वाली है जिसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स का, कोई भी GCS का क्वेश्चन टच करेंगे तो भाग के उसको सोल्व करेंगे, आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। डियर, आज का टॉपिक ग्लासगो कोमा स्केल। देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी खोज थी ग्लासगो कोमा स्केल, तो जिन लोगों ने इसकी खोज की उनको श्रेय देना जरूरी है, उनको श्रेय देने की बात कर रहे हैं। आपके सामने 2 डायग्राम हैं, याद रखिएगा, ये 2 महान शख्सियत हैं जिन्होंने ग्लासगो कोमा स्केल की डिस्कवरी की थी। पहले जो शख्स हैं हमारे सामने वो हैं ग्राम टीसडेल, ये जो सर हैं ग्राम टीसडेल हैं, और ये वाले सर हैं ब्रायन जे जेनेट। इट मीन शॉर्ट में बोला जाए तो ब्रायन जेनेट और ग्राम टीसडेल, ये 2 वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, ग्लासगो कोमा स्केल की खोज की थी। अच्छा, एक चीज तो ठीक है कि जब इन दोनों ने डिस्कवरी की तो ग्लासगो कोमा स्केल में ये जो जी वर्ड है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए, ये दोनों सर्जन थे, दोनों न्यूरो सर्जन थे, प्रोफेसर थे न्यूरो सर्जरी के एक यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है बेटा जी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी, बेसिकली स्कॉटलैंड में,
स्कॉटलैंड बोले तो यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, स्कॉटलैंड में याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में ग्लासगो यूनिवर्सिटी है और उस ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर न्यूरोसर्जरी के दो प्रोफेसर थे, एक भाई साहब थे एक ग्राम टिसडेल और दूसरे थे ब्रायन जे जेनेट। देखिए दो मिनट की श्रद्धांजलि भी दे सकते हो मन में आप, क्योंकि एक्सपायर हो चुके हैं 2008 में, शहीद हो चुके हैं ब्रायन जे जेनेट, लेकिन आज भी किसकी मशीनरी चल रही है, श्रीमान ग्राहम टिसडेल की मशीनरी चल रही है। और इसी का नतीजा है कि इन्होंने 2016 में इस ग्लासगो कोमा स्केल में और सुधार कर दिया, जो पेंडिंग चीजें थी वो भी ऐड कर दी है। यहां हमारा जो क्वेश्चन क्रिएट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लासगो इन ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो स्टैंड्स फॉर, तो आपका जवाब होगा ग्लासगो यूनिवर्सिटी। सेकंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके सामने जो आएगा वो आएगा Who are the discoverer of Glasgow Coma Scale? तो आपका सीधा सा जवाब होगा ब्रायन जे जेनेट एंड ग्राम टिसडेल। एंड थर्ड क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, कौन से ईयर में डिस्कवरी की गई, एंड द राइट आंसर विल बी 1974। 1974 में, 1974 में इसको डिस्कवर किया गया था। ऐसा नहीं कि पहली शुरुआत में ये परफेक्ट हो गए थे, नहीं, 1974 में डिस्कवरी करने के बाद 1978 में उसमें खूब ज्यादा सुधार किया गया था। उसके बाद 2014 में भी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए गए, और लास्ट जो इंप्रूवमेंट किया गया है वो 2016 में किया गया है। डियर, आज के समय हम जो जीसीएस पढ़ते हैं, जीसीएस स्केल पढ़ते हैं, वो 2014 और 2016 वाली पढ़ते हैं, 2074 वाली और 78 वाली अब एबोलिश हो चुकी है, मार्केट से गायब हो चुकी है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? देखिएगा डियर, नेक्स्ट, पहली चीज इंट्रोडक्शन हो गया, श्रेय दे दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आता है आपसे कि ग्लासगो कोमा स्केल आखिरकार है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। देखिएगा इसका सिंपल सा जवाब है कि ग्लासगो कोमा स्केल कैसा स्केल है। पहली चीज, अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि उसका ग्लासगो कोमा स्केल बताइएगा, पहला क्वेश्चन सुनिएगा, देयर इज ए क्लाइंट, एक क्लाइंट है आपके सामने और दूसरा खुद नर्स है। यूजुअली जब भी हम असेसमेंट की बात करते हैं, द क्लाइंट इज नोन एज सब्जेक्ट, क्लाइंट को सब्जेक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, और नर्स को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। द नर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट वाइल द क्लाइंट इज नोन एज सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव डाटा मीन्स क्लाइंट के द्वारा दिए गए डाटा, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा असेस किए गए डाटा। क्वेश्चन आता है आपसे कि ग्लासगो कोमा स्केल कैसी स्केल है, इट इज सब्जेक्टिव स्केल और इट इज ऑब्जेक्टिव स्केल। ये सब्जेक्टिव स्केल है या ऑब्जेक्टिव स्केल है, देखिए पेशेंट खुद असेस नहीं करता है, नर्स असेस करती है, दैट्स व्हाई ग्लासगो कोमा स्केल इज एन ऑब्जेक्टिव स्केल। एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही जबरदस्त काम की बातें। ग्लासगो कोमा स्केल किस टाइप की स्केल है, ऑब्जेक्टिव स्केल है, नर्स के द्वारा असेस की जाती है। दूसरा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पुटअप करता है एग्जाम में, ग्लासगो कोमा स्केल इज ए टाइप ऑफ स्केल, ऑप्शन ए ग्राफिकल कि किसी ग्राफ पैटर्न में शो किया जाता है, ऑप्शन बी पिक्टोरियल किसी पिक्चर से दिखाया जाता है, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल किसी नंबर्स से शो किया जाता है, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबाउ, इनमें से कोई नहीं। देखिए ग्लासगो कोमा स्केल में कोई भी ग्राफ फॉर्मेट काम में नहीं लिया जाता, कोई भी पिक्चर भी काम में नहीं ली जाती, याद रखिएगा नंबरिंग की जाती है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार नंबरिंग की जाती है। तो ग्लासगो कोमा स्केल किस पैटर्न की स्केल है डियर, याद रखिएगा, तो आपका सीधा सा जवाब होगा इट इज ए न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ स्केल। ये नंबर्स पे बेस्ड, केवल नंबर्स का खेल है, याद रखिएगा। तीन बेहतरीन क्वेश्चन निकल गए आपके, ग्लासगो कोमा स्केल ऑब्जेक्टिव स्केल है और ग्लासगो कोमा स्केल न्यूमेरिकल स्केल है। लेकिन सबसे जरूरी क्वेश्चन तो ये आता है, पर्पज क्या है, क्यों जरूरत पड़ी ग्लासगो कोमा स्केल की। देखिए डियर, एक टर्म है, देयर इज लेवल ऑफ कॉशियसनेस, लेवल ऑफ कॉशियसनेस, इट मींस इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं जो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ कॉशियसनेस में बोले तो पेशेंट
पूरी तरह कॉशियस है, फुली कॉशियस, फुली अलर्ट है, पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, पेशेंट स्टूपर स्टेज में है, पेशेंट हेलुसिनेशन स्टेज में है, पेशेंट अनकॉशियस है या पेशेंट कोमा स्टेज में है। बहुत सारी स्टेजेस होती है लेवल ऑफ कॉशियसनेस की। तो पेशेंट की लेवल ऑफ कॉशियसनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, फुली अलर्ट है या अनकॉशियस है या कोमा में है। तो इन स्टेजेस का पता लगाने के लिए किसी टूल की जरूरत पड़ी थी, किसी हथियार की जरूरत पड़ी थी, और उस हथियार को आखिरकार किस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, ग्लासगो कोमा स्केल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड टू असेस पेन, नहीं, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड टू असेस पटेलर रिफ्लेक्स, नो, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड टू असेस स्किन टर्गर, नो, ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड टू असेस लेवल ऑफ कॉशियसनेस। हमेशा रखिए, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि लेवल ऑफ कॉशियसनेस का पता लगाने के लिए कौन सी स्केल काम में ली जाती है, तो जवाब आएगा ग्लासगो कोमा स्केल काम में ली जाती है। क्लियर है डियर? देखिएगा काम की चीज, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मोस्ट सेंसिटिव टूल टू असेस न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को, ब्रेन की, स्पाइनल कोड की, नर्व्स की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए सबसे बेस्ट टूल कौन है, सबसे अच्छा हथियार कौन है, तो इस केस में भी आपका जवाब क्या होगा, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का चेक करने के लिए सबसे सेंसिटिव, दो वर्ड ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आएगा सेंसिटिव, अगर सेंसिटिविटी की बात की जाती है तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए की जाती है, और अगर सबसे बेस्ट टूल की बात की जाती है तो बेस्ट टूल की बात की जाती है, तो याद रखिएगा लेवल ऑफ कॉशियसनेस की जाती है, और दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, ग्लासगो कोमा स्केल, मोस्ट सेंसिटिव टूल फॉर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग ग्लासगो कोमा स्केल, एंड बेस्ट टूल टू असेस लेवल ऑफ कॉशियसनेस, तो उस कंडीशन में भी आपका जवाब क्या होगा, ग्लासगो कोमा स्केल। क्लियर है डियर? चलिएगा नेक्स्ट सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो कंपोनेंट्स को लेकर पूछ सकता है, कि ग्लासगो कोमा स्केल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसका मतलब कितने सेगमेंट्स को चेक किया जाता है। कंपोनेंट्स का मतलब वो सेगमेंट्स जिनको ग्लासगो कोमा स्केल में असेस किया जाएगा, चेक किया जाएगा। याद रखिएगा, आप सभी 18 प्लस है, आप सभी की उम्र 18 से ऊपर है, इट मींस आप सभी के पास में वोटर आईडी है और आप वोट देने के लिए सक्षम है। माना आप में से आधी जनता देती नहीं है, लेकिन देना चाहिए हमें। अगर आप वोटर हैं, वोट देते हैं, तो बैलेट वाला टाइम जब चला गया, हमारे पिताजी दादाजी के समय का टाइम था, आज की तारीख में ईवीएम के द्वारा वोट दिए जाते हैं। ईवीएम बोले तो इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन, ईवीएम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऐसी मशीन जिसके अंदर वोट पुश किए जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन। इन बटन को पुश कीजिएगा अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट के सामने और आपकी वोटिंग हो जाएगी। इस न्यूमोनिक को हमने काम में लिया है, ईवीएम, और यहां पर तीन सेगमेंट बना दिए हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछता है कि कौन से तीन सेगमेंट है, तो आपका जवाब होगा ईवीएम। ई मींस आई ओपनिंग, पेशेंट आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा, आपके पास जाने से, आपके उसको ऑर्डर देने से, या आप प्रेशराइज करने से, पेन स्टिमुलस देने से, किसी भी तरीके से पेशेंट अपनी आई ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक किया जाता है। सो द फर्स्ट सेगमेंट इज आई ओपनिंग। सेकेंड कंपोनेंट इज वर्बल रेस्पॉन्स, आप पेशेंट से जाके उससे बात करें, या तो वो ओरिएंटेड आंसर देगा बिल्कुल सही, या वो डिसओरिएंटेड जवाब से देगा, या फिर अजीबोगरीब वर्ड्स बोलेगा, अजीबोगरीब आवाज़ निकालेगा, या फिर आपसे बात ही नहीं करेगा और कोई वर्बल रेस्पॉन्स नहीं देगा। सो द सेकंड कंपोनेंट इज वर्बल रेस्पॉन्स, फर्स्ट कंपोनेंट इज आई ओपनिंग, सेकंड कंपोनेंट इज वर्बल रेस्पॉन्स, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज मोटर रेस्पॉन्स। आप पेशेंट को जीभ बाहर निकालने के लिए बोलिएगा, पेशेंट को अपना हाथ ऊपर उठाने के लिए बोलिएगा, पेशेंट को अपने लेग को ऊपर उठाने के लिए बोलिएगा, नेक को रोटेट करने के लिए बोलिएगा। अगर आप पेशेंट को ये सारी चीजें बोलेंगे तो याद रखिए पेशेंट रेस्पॉन्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, दैट इज मोटर रेस्पॉन्स। तो तीन टाइप के रेस्पॉन्स है, हमेशा याद रखिएगा, कितने टाइप के रेस्पॉन्स है, तीन टाइप के रेस्पॉन्स है, तीन कंपोनेंट है जिनको असेस करना है। द फर्स्ट वन इज आई ओपनिंग, द सेकंड वन इज वर्बल रेस्पॉन्स, एंड द थर्ड वन इज मोटर रेस्पॉन्स। तीन रेस्पॉन्स को असेस करना है, हमेशा याद रखिएगा।
क्लियर है डियर? आपके सामने पिक्टोरियल फॉर्मेट में मैंने बता दिया, आंखें खुल रही है या नहीं खुल रही, वर्बल रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, और मोटर रेस्पॉन्स यानी हाथ पांव या जिस ऑर्गन को मूव करने के लिए बोला जा रहा है उसको मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी चीज का फायदा उठा के आपसे नॉर्सेट, सॉरी आपसे एम्स कंबाइंड एग्जाम, नॉर्सेट तो बाद में, एम्स कंबाइंड एग्जाम आपसे क्या पूछता है, पूछता है विच इज नॉट ए, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ GCS, GCS का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। देखिए डियर एक चीज बोलू मैं कि कैसा वक्त है, आप और मेरा साथ था कितने सालों से, और कितने सालों से हम क्लासरूम में वन टू वन बिल्कुल कॉन्टेक्ट के साथ में पढ़ रहे थे, और नेचर की पावर देखिए कि आज हमको सैकड़ों मील दूर कर दिया गया है, मुझे यहाँ आपको वहाँ कर दिया गया है। इन क्षणों में मुझे थोड़ा अमिताभ बच्चन की किसी मूवी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, एक पंक्ति याद आ रही है, थोड़ा सा आपके सामने गुनगुना चाहूँगा, सुनिएगा। मैं यहाँ तू वहाँ, मंजिलें हैं कहाँ, याद रखिएगा मंजिल अपनी जगह से नहीं हिली है, मैं हिल गया हूं, आप अपनी जगह से हिल गए हैं, लेकिन मंजिल कौन है? नॉर्सेट। ताल ठोक दीजिएगा, आपके कमरे की दीवार पे एक पोस्टर लगा होना चाहिए नॉर्सेट 2021 का, आपके किचन की स्लैब पे एक पोस्टर लगा होना चाहिए 2021 नॉर्सेट का, आपके बाथरूम की दीवार पे नॉर्सेट 2021 का लगा होना चाहिए। अपने इंजन को स्टार्ट करें, अपनी एनर्जी को बूस्ट करें, आप इंसान है, आप इंसान की औलाद है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप पत्थर को पीच के, पत्थर को स्क्वीज करके पानी निकाल सकते हैं। नॉर्सेट कोई बड़ी चीज नहीं है। आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी एक चीज का मुझे आभास है कि जो बॉयज देख रहे हैं उन सभी की शेविंग बड़ी हुई है भैया, उन सभी की दाढ़ी बड़ी हुई है। याद कीजिए पहली चीज तो ये शेविंग करके बैठिएगा, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिएगा अपने घर पे भी, और दूसरी चीज कि बच्चे आप खुद का फायदा देख रहे हैं, अपने साथी लोगों का फायदा नहीं देख रहे हैं। डियर शेयर करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि आपके साथी लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। देखिएगा कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, हम मैसेज दे रहे हैं तो हमें भी फीडबैक मिलना चाहिए। आप लाइक कीजिएगा वीडियो को ताकि, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन मिले इस वीडियो के, इन अच्छी चीज़ों के, और प्लीज़ डू शेयर ताकि आपके साथियों का भी प्रॉफिट हो, साथियों का भी फायदा हो। चलिए एग्जामिनर कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, तीन कंपोनेंट्स हैं। एग्जामिनर आपसे कंपोनेंट के बेस पे क्वेश्चन पूछता है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ GCS। ऑप्शन ए आई ओपनिंग, ऑप्शन बी वर्बल रेस्पॉन्स, ऑप्शन सी मेटल रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी पेन रेस्पॉन्स। ऑब्वियसली बात है द राइट आंसर विल बी डी पेन रेस्पॉन्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा कि कौन कंपोनेंट नहीं है। क्लियर है डियर? देखिएगा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो कमांड है इन कमांड को असेस करने का, इन कमांड्स को असेस करने का कौन सा सिक्वेंस होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस टू असेस दीज कमांड्स, कैसे असेस करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा। एग्जामिनर ने ये तो आपने ये पढ़ लिया कि तीन होती है, लेकिन तीनों का सीक्वेंस भी पता होना जरूरी है, और याद रखिएगा जिस सीक्वेंस में तीनों को लिखा गया है EVM यही सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस में चेक करना चाहिए। आप पहले मोटर रेस्पॉन्स, बाद में वर्बल रेस्पॉन्स और फिर आई रेस्पॉन्स चेक नहीं करेंगे, आप सबसे पहले किसको चेक करेंगे, आई रेस्पॉन्स को चेक करेंगे, देन आफ्टर किसको चेक करेंगे, वर्बल रेस्पॉन्स को करेंगे, और सबसे लास्ट में किसको चेक करेंगे डियर, मोटर रेस्पॉन्स को चेक करेंगे। तो एग्जामिनर अगर आपसे सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछता है तो भी आप तैयार हैं ढाल लेके उसका जवाब देने के लिए। देखिए अब जो यूजुअली आपको कहीं नोट्स में टॉपिक मिलेगा नहीं, कमांड्स ऑफ GCS, कि अगर आप पेशेंट को असेस कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट लेटा है आप चुपके से गए उसको ऑब्जर्व किया और आगे, केवल ऑब्जर्वेशन का मामला नहीं है, पेशेंट को कुछ कमांड्स भी देनी पड़ती है, पेशेंट्स को कुछ ऑर्डर भी देने पड़ते हैं, फिर चेक करते हैं कि पेशेंट वो रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। याद रखिएगा बिल्कुल बिल्कुल, पर जब महेश जी कह रहे हैं कि ऐसा ऑनलाइन से भी ऐसा ही लग रहा है कि सर हम आमने सामने बैठे हैं, बिल्कुल बेटा जी मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। क्लियर है? देखिएगा
कमांड्स की बात की जाए जो यूजुअली आपको टेस्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा कि कौन कौन सी कमांड्स दी जा सकती है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा डियर, तीन टाइप की कमांड्स दी जा सकती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमांड्स। पेशेंट्स को सुनिएगा, अगर पेशेंट अपने बेड में लेटा है तो आप पेशेंट के पास जाएं, दैट कमांड इज नोन एज अप्रोचिंग द कमांड। पेशेंट के पास जाना, पेशेंट के बेड के पास में जाना, दिस कमांड इज नोन एज अप्रोचिंग द कमांड। क्लाइंट क्लाइंट को अप्रोच करना, अगर आपके वहां जाने से पेशेंट अपनी आईज ओपन करता है या आपसे कम्युनिकेशन करने लग जाता है या अपने हाथ पांव को मूव कर लेता है, इट मींस पेशेंट रेस्पोंड कर रहा है, इट मींस अप्रोचिंग द क्लाइंट भी एक तरह की कमांड हुई। सेकेंड, अगर आप पेशेंट को अप्रोच करते हैं और पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, पेशेंट ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, आंख बंद करके चुपचाप लेटा है, तो आपको कौन सी कमांड का सहारा लेना पड़ेगा? साउंड का सहारा लेना पड़ेगा। डियर देखिएगा, बहुत सारी टेस्ट बुक्स में वर्ड दिया रहता है साउंड, जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। खुद टेस्ट डील जी ने इसको रेक्टिफाई किया है और उन्होंने एक आर्टिकल में यह पब्लिश भी किया था कि यह साउंड नहीं है, दिस इज वॉइस कमांड। माना अभी भी कई सारे एग्जाम्स में और कई सारी टेस्ट बुक्स में साउंड वर्ड है, लेकिन साउंड का मतलब तो हो गया कि किसी कोने के अंदर बैठा इंसान बैठा बैठा ही चिल्ला पड़ेगा ओए, और पेशेंट अपना मूव कर देगा, इसका मतलब वो कमांड थोड़ी हुई। कमांड का मतलब हुआ साउंड नहीं, वॉइस, वाकायदा ऑर्डर उस पेशेंट के पास आके उसको कुछ बोला जाए। तो सेकंड जो कमांड है वो साउंड नहीं है, साउंड को रेक्टिफाई कर लीजिएगा और उसको क्या कहिएगा, वॉइस कमांड कर लीजिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में वॉइस ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में किसको सेलेक्ट कीजिएगा, साउंड को सेलेक्ट कीजिएगा। और तीसरी, अगर आवाज देने से भी उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया तो तीसरी जो आप कमांड उसको देंगे वो देंगे पेनफुल स्टिमुलाई। देखिए डियर, जैसा मैं कह रहा हूं साउंड को रेक्टिफाई कर दिया गया है, उसी प्रकार किसको भी रेक्टिफाई कर दिया गया है, पेनफुल स्टिमुलाई को भी रेक्टिफाई कर दिया गया है। पेनफुल स्टिमुलाई का मतलब है पेशेंट को स्पेसिफिक बॉडी के कुछ चुनिंदी जगह है, उन चुनिंदा साइट के ऊपर पिंच करना, उन जगह को प्रेशराइज करना, और तब तक प्रेशराइज करना जब तक कि पेशेंट को दर्द फील हो, पेन फील हो। आप सुप्रा ऑर्बिटल रिज पे जबरदस्त दबाइएगा, आप पेशेंट के ट्रेपेजियस को दबाइएगा, आप पेशेंट के नेल बेड को दबाइएगा। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको प्रेशराइज करके पेन जनरेट किया जाता था, और जब पेशेंट को पेन होता था तो पेशेंट रेस्पॉन्ड करता था। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है, अब इसको रेक्टिफाई कर दिया है कि पेशेंट को पेन नहीं देना है, केवल आप क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कितने टाइप की कमांड, तीन टाइप की कमांड। कौन कौन सी कमांड? कमांड नंबर वन अप्रोचिंग द क्लाइंट, कमांड नंबर टू वॉइस कमांड, एंड कमांड नंबर थ्री इज प्रेशर स्टिमुलाई। आपको पेनफुल स्टिमुलाई और साउंड को साइड में कर देना है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विच इज नॉट ए कमांड फॉर जीसीएस, ऑप्शन ए अप्रोचिंग द क्लाइंट, ऑप्शन बी वॉइस कमांड, ऑप्शन सी प्रेशर कमांड, एंड ऑप्शन डी पेनफुल स्टिमुलाई, तो आपको किसको हटा देना है? पेनफुल स्टिमुलाई कमांड नहीं है आज की तारीख में, उसकी जगह क्या डाल दिया गया है? प्रेशर। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे एग्जामिनर्स और टेस्ट बुक इसी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अगर नए वाली कमांड दी गई है तो इनको सेलेक्ट करें, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर मजबूरी में कौन कौन आएगा आपका, इन पुरानी कमांड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब एग्जाम का क्वेश्चन दूसरा, पहला विच इज नॉट ए कमांड, तो इनके अलावा कोई कमांड नहीं है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अप्लाइंग दीज कमांड, इन कमांड्स को अप्लाई करने का क्या सीक्वेंस है पेशेंट पे, सबसे पहले पेशेंट को आप पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं या आवाज देते हैं या क्या करते हैं? तो याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में इनको लिखा गया है, जिस सीक्वेंस में इनको मेंशन किया गया है, वही उसी सीक्वेंस में आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले पेशेंट को अप्रोच करना है, सेकंड पे आपको पेशेंट को वॉइस कमांड देनी है, और तीसरे पे पेशेंट को प्रेशर स्टिमुलाई करना है। सबसे पहले आई ओपनिंग, सेकंड वर्बल रेस्पॉन्स, और तीसरा मोटर रेस्पॉन्स, और वो सब करवाने के लिए अप्रोचिंग द क्लाइंट, वॉइस कमांड एंड प्रेशर स्टिमुलाई। कम से कम सात या आठ अभी तक हम एमसीक्यूज यहां डिस्कस कर चुके हैं डियर। आगे की बात सुनिएगा, नेक्स्ट चीज सुनिएगा, मैं एक एक चीज को भी अप्रोच से क्लियर करता जाऊं विथ डायग्राम, क्योंकि इमेज बेस्ड कंसेप्ट का जमाना है। अगर आप एग्जामिनर ये डायग्राम देता है और आपसे पूछता है कमांड शोइंग इन इमेज इज, कमांड शोइंग इन इमेज इज, इस इमेज में जिस कमांड को शो किया गया है वो कौन सी कमांड है? देखिए,
एक नर्स एक पेशेंट के पास में बेड पे गई है, नर्स अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही है, नर्स बोल नहीं रही है, इसका मतलब कौन सी कमांड नहीं है, वॉइस कमांड नहीं है, नर्स बॉडी के किसी हिस्से को दबा नहीं रही है, पिचका नहीं रही है, इसका मतलब कौन सी कमांड नहीं है, प्रेशर कमांड नहीं है। हाँ, नर्स पेशेंट के पास जाके खड़ी हो गई है, केवल इसका मतलब ये कौन सी कमांड का डायग्राम है, अप्रोचिंग द क्लाइंट कमांड का डायग्राम है। देखिए इसी को मॉडिफाई करके अगर हम क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कि आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कमांड शोइंग इन इमेज इज, इस इमेज में जो कमांड शो की गई है कौन सी है, देखिएगा ये नर्स इस पेशेंट के पास में गई और इस नर्स के मुंह से कुछ वर्ड्स निकल रहे हैं, हेलो ओपन योर आईज, प्लीज अपनी आंखें को खोलिएगा। अगर ऐसी प्रकार की कोई भी कमांड दी जा रही है इसका मतलब वो अपने मुंह से कुछ बोल रही है, यानी कौन सी कमांड है, वॉइस कमांड है। पहली केवल पेशेंट के पास जाना, याद रखिएगा अप्रोचिंग द क्लाइंट, पेशेंट के पास जाके उससे कुछ बोलने के लिए कहना, उससे कुछ बातें करना, दैट इज विच कमांड, वॉइस कमांड। और लास्ट जो कमांड होती है डियर, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं एज पर माई व्यू, याद रखिएगा वो होती है, पहले कौन सी हुआ करती थी, पेनफुल स्टिमुलाई, जबकि अब इसको क्रॉस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, प्रेशर स्टिमुलाई में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमेशा याद रखिएगा डियर ब्रदर, दो प्रकार की पेनफुल या प्रेशर स्टिमुलाई होती है, दो प्रकार की पेनफुल प्रेशर या प्रेशर स्टिमुलाई होती है, याद रखिएगा। पहली आपके सामने आ गई, ओके आप आंसर भी दे रहे हैं साथ साथ में, बिल्कुल बिल्कुल डियर, पीडिया की भी लगाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स की क्योरीज हैं वो भी देख ले वरना नाराज हो जाएंगे, क्लियर, बिल्कुल वॉइस 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 दासू, अरे बिल्कुल दासू तो हो ही रहे हैं आप, सारे सारे दासू हो रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, सुपरफिशियली नहीं विथ डेप्थ समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रहा है, नहीं नहीं एप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिला, अच्छा मैं जो मेरे ढंग से पूछना पड़ेगा, आर यू गेटिंग इट, यस और नो, यस और नो में प्लीज थम के साथ, थम दब्स के साथ जवाब दीजिएगा, मुझे थम्स अप बहुत कम नजर आ रहे हैं, थम्स अप के साथ जवाब दीजिएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, यस और नो। जोगिंदर जी का तो आ गया कि साहब दासू आ रहा है, युवराज जी का भी आ गया, संजय पंडित जी का भी, राकेश लिंबा जी का भी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भैया इतना भी नहीं, YouTube स्लो डाउन ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। चलिए इधर फोकस कीजिएगा क्वेश्चन की तरफ, कि थर्ड जो कमांड होती है वो होती है पेनफुल स्टिमुलाई और प्रेशर स्टिमुलाई, जो आज की तारीख में कन्वर्ट कर दी गई है, दो प्रकार की होती है पेनफुल या प्रेशर स्टिमुलाई। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल पेनफुल या प्रेशर स्टिमुलाई एंड द सेकेंड वन इज पेरीफेरल पेनफुल या प्रेशर स्टिमुलाई। सेंट्रल मीन्स बॉडी के इस सेंटर पार्ट में यानी फेस पे कहीं किया जाए, और पेरिफेरल मींस इस फेस से अलावा हाथों में पैरों में अगर कहीं स्टिमुलेशन दिया जाए पेन का या प्रेशर का तो वो पेरिफेरल प्रेशर कहलाता है। देखिएगा मेंशन भी कर देते हैं, अगर कोडेड पार्ट में, हेड पार्ट में, फेस पार्ट में, अगर फेस में कहीं स्टिमुलेशन दिया जा रहा है तो सेंट्रल स्टिमुलेशन होगा, और रेस्ट बॉडी में फेस के अलावा बाकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी स्टिमुलेशन दिया जा रहा है तो डियर याद रखिएगा वो स्टिमुलेशन कौन सा स्टिमुलेशन होगा, पेरिफेरल स्टिमुलेशन होगा। देखिए सेंट्रल स्टिमुलेशन का एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ये दिस इज सुप्रा। अच्छा आपसे पूछूं, अब मैंने बोल ही दिया आपको, हिंट ही दे दिया तो मैं फायदा नहीं उठाने दूंगा आपको, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक प्रेशर स्टिमुलस, सुप्रा ऑप्टिक प्रेशर स्टिमुलस। आप पेशेंट के सुप्रा ऑप्टिक एरिया को, पेशेंट के सुप्रा ऑप्टिक एरियाज को, याद रखेगा आप पेशेंट के सुप्रा ऑप्टिक एरियाज को प्रेशराइज कर रहे हैं, दबा रहे हैं। सुप्रा ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए डियर ये आईबॉल है, ये आईबॉल है, किसी भी पेशेंट की बात की जाए तो ये आईबॉल होती है, और आई बोल के जस्ट ऊपर वाली ये जो बोन की लेयरी है, फ्रंटल बोन की जो लास्ट पार्ट है, इसको कहा जाता है सुप्रा ऑप्टिकल रिज, सुप्रा ऑर्बिटल रिज और सुप्रा ऑप्टिकल रिज कहा जाता है इसको, जहां पे आईब्रोज होती है, याद रखिएगा आईब्रोज के जस्ट नीचे वाली स्ट्रक्चर को सुप्रा ऑर्बिटल रिज कहा जाता है।
इस रिज को प्रेशराइज करना, इसको दबाना। पहले क्या किया जाता था, इस स्ट्रक्चर को तब तक दबाते थे जब तक नॉर्मल इंसान को दर्द ना हो जाए, इतना जोर से दबाया जाता था। इसको कहा जाता है सुप्रा ऑर्बिटल पेन स्टिमुलस कहा जाता था। आज की तारीख में उसको रिमूव करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर स्टिमुलस में डिवाइड कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है कि केवल प्रेशराइज करना है आपको, याद रखिएगा। और ये सेंट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि फेस पे दिया जा रहा है, इसलिए कौन सा स्टिमुलस है, सेंट्रल स्टिमुलस है। इसके उलट पेरिफेरल स्टिमुलस देखिएगा, देखिए इन शख्स को देखिएगा, ये भाई साहब हैं कोई मेरे जान पहचान के, और इन्हें भी मेरी तरह से क्या ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा पसंद है दाल बाटी चूरमा। देखिए बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग है आज, क्योंकि नहीं तो क्लासरूम में बोलना पड़ता है, आज सबके सामने बोल पा रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि भैया उनका दाल बाटी पेंडिंग चूरमा पेंडिंग चल रहा है, उनका सिलेक्शन हो गया लेकिन यहां तक दाल बाटी चूरमा नहीं आया है। क्लियर है, किसकी तरफ से, मेरी तरफ से। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आप सेलेक्ट होइए, मेरी तरफ से दाल बाटी चूरमा की पार्टी होगी, वो अभी तक दाल बाटी चूरमा की पार्टी लेने आए नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी आए लॉकडाउन के बाद में और अपनी पार्टी ले जाएं। भैया सर पे बोझ हो रहा है मेरे, दब रहा हूं मैं, देखिए ऐसे ऐसे दब रहा हूं मैं इस पार्टी से, तो अपनी पार्टीज लेके जाएं। चलिए इधर देखिएगा डियर, ये जो भाई साहब हैं, ये दोनों जो डायग्राम आपको दिखाए गए, ये पेरिफेरल प्रेशर स्टिमुलस के एग्जाम्पल हैं। यहां आपकी नेक के पास में और शोल्डर के बीच में ये जो मसल है, दिस मसल इज नोन एज ट्रेपेजियस मसल। इस मसल को याद रखिएगा, दिस मसल इज नोन एज ट्रेपेजियस मसल। इन चीजों को आप बेहतर होगा नोट डाउन भी कर लें, ट्रेपेजियस मसल कहा जाता है, और ट्रेपेजियस मसल को दबाना, स्क्वीज करना, दिस स्टिमुलस इज नोन एज ट्रेपेजियस स्क्वीज कहा जाता है। इस जगह को कंप्रेस करना ट्रेपेजियस स्क्वीज कहा जाता है, और ये फेस में नहीं है इसलिए कौन से स्टिमुलस का पार्ट है, पेरिफेरल स्टिमुलस का पार्ट है। और तीसरा जो स्टिमुलस होता है वो होता है नेल पिंचिंग, नेल को पिंच करना, नाखून को दबाना, नेल का भी कौन सा एरिया कंप्रेस किया जाता है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिएगा अगर इस नेल को गौर से देखिएगा बेटा जी, आपका हल्का सा नेल भी क्लियर हो जाएगा। इस नेल को देखा जाए तो ये जो पिंकिश एरिया है नाखून का पूरा बड़ा आगे आगे वाला, दिस इज नोन एज नेल प्लेट। नेल साइड में जहां पे मिलता है स्किन से मिलता है, इस कवरिंग को, इस लाइनिंग को, इस खांच को कहा जाता है नेल ग्रू। ये जो नेल का सेमीलूनर आधे चांद जैसा व्हाइटिश एरिया है, दिस इज नोन एज लूनुला। ये सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा नाखून की, नेल पिंचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि साहब नेल पिंचिंग करना है स्टिमुलस के लिए, तो अगर एग्जामिनर पूछ ले नेल पिंचिंग कहां से करोगे, आप नेल प्लेट से करोगे, ग्रू से करोगे, लूनुला से करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा, लूनुला से। याद रखिएगा नेल पिंचिंग करनी है लेकिन नेल पिंचिंग की जो साइट होगी वो कौन सी होगी, लूनुला होगी। कंसेप्ट क्लियर है डियर। चलिए सबसे पहली कमांड थी अप्रोचिंग द क्लाइंट, दूसरी कमांड थी वॉइस कमांड, और तीसरी कमांड है प्रेशर स्टिमुलाई, जो दो प्रकार की होती है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में शामिल की जाती है सुप्रा ऑर्बिटल स्टिमुलस, और पेरिफेरल में शामिल की जाती है ट्रेपेजियस स्क्वीज एंड नेल पिंचिंग, जो किस एरिया में करना है बेटा जी, आपको करना है लूनुला एरिया में करना है। क्लियर है, इसके बाद देखिएगा आप सेकेंड, अब सिक्वेंस वही चीज वापस रिपीट हो गई कि अगर आपसे सिक्वेंस पूछे, अगर किस सीक्वेंस में करना है, तो सबसे पहले आई ओपनिंग, देन वर्बल ओपनिंग, और लास्ट में कौन सी करनी है आपको, मोटर करनी है। डियर यहां से जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं आपके अगले सेगमेंट से, मार्किंग और स्कोरिंग की। ग्लासगो कोमा स्केल के तीन कंपोनेंट होते हैं, उन तीनों कंपोनेंट्स को कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं, कितने कितने नंबर दिए गए हैं, सुनिएगा। अगर मैं बात करूं आई ओपनिंग की, तो आई ओपनिंग में बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं जिनको मार्किंग दी गई है, 4, 3, 2 एंड 1। आई ओपनिंग में कितने सेगमेंट्स होते हैं डियर, चार सेगमेंट होते हैं जिनको मार्किंग क्या दी गई है, 1, 2, 3 एंड 4। वर्बल रेस्पॉन्स में इससे से एक ज्यादा बढ़ा दो, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और मोटर रेस्पॉन्स में इससे भी एक ज्यादा बढ़ा दो, तो जवाब आएगा 6, आपका जवाब आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हमेशा सीक्वेंस याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा कभी भी, पहला कहां से स्टार्ट हुआ, 4 से, दूसरा 5 से, और तीसरा 6 से, और सीक्वेंस आप जानते हैं ईवीएम, इसका मतलब E4 4 V4 5 और M4 6। सबसे इंपॉर्टेंट पते वाली चीज जो हमें नोट करनी है इस डायग्राम में, यहां
कि मिनिमम स्कोर कितना है हर सेगमेंट में, वन, हर सेगमेंट में, हर कंपोनेंट में मिनिमम स्कोर कितना है, वन, जीरो नहीं है, जीरो इज नॉट ए मार्किंग इन जीसीएस, मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में भी मेंशन कर लीजिएगा, जीरो इज नॉट ए मार्किंग इन जीसीएस, जीसीएस में कौन सी मार्किंग शामिल नहीं की जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा डियर, कौन सी मार्किंग शामिल नहीं की जाती है, जीरो शामिल नहीं की जाती है, क्लियर है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि व्हाट इज द मिनिमम स्कोरिंग इन ए सेगमेंट, व्हाट इज द मिनिमम मार्किंग इन ए सेगमेंट, जवाब दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मिनिमम मार्किंग इन ए सेगमेंट, किसी एक कंपोनेंट में मिनिमम मार्किंग क्या हो सकती है, मिनिमम मार्किंग पूछा जा रहा है, मैं मिनिमम स्कोर नहीं पूछ रहा जीसीएस का, मिनिमम मार्किंग इन ए सेगमेंट, फटाफट जवाब दीजिएगा जी, वेट किया जा रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, फटाफट जवाब दीजिएगा, मिनिमम मार्किंग इन ए कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट में मिनिमम मार्किंग, बिल्कुल लवप्रीत का जवाब आया थ्री, सोचना पड़ेगा बेटा जी, थ्री नहीं है, जीरो नहीं, मैंने अभी भी कहा कि जीरो तो मार्किंग ही नहीं की जा सकती शैलेंद्र जी, जीरो जवाब नहीं है शैलेंद्र शर्मा जी, प्रवीण का जवाब आया है वन, बिल्कुल वन वन, प्रतिमा एस जी, श्री मनाली, रुपिंदर, मुकेश जी, रमेश जी, जीरो नहीं होगा, वन सही आ रहा है, अच्छा एस जी ने इतने वन लिख दिए डियर, ओके वेरी गुड, इट मीन्स सभी को क्लियर हो गया, किसी एक सेगमेंट में, अगर मैं आई ओपनिंग वाले की बात करूं, देखिएगा आई ओपनिंग की बात करूं तो आई ओपनिंग के सेगमेंट में मिनिमम मार्किंग कितनी है, मैं मिनिमम मार्किंग की बात कर रहा हूं, स्कोरिंग और मार्किंग में अलग अंतर होता है, द मिनिमम मार्किंग इन ए सेगमेंट इज वन, इसमें भी मिनिमम मार्किंग कितनी है वन, और यहां पे भी मिनिमम मार्किंग कितनी है वन, इसलिए इसको पॉइंट फॉर्मेट में मेंशन भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में, मिनिमम मार्किंग इन ए सेगमेंट, मिनिमम मार्किंग इन ए कंपोनेंट, तो आपका सीधा सा जवाब होगा डियर वन, एक, क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, याद रखेगा एक चीज और यहां से बहुत जरूरी, अगर मैं सभी की बात करूं, यहां पे जवाब था 4321, 54321, 654321, अगर मान लीजिए ये पेशेंट आई ओपनिंग बिल्कुल कंप्लीट अच्छी शो कर रहा है, ये पेशेंट वर्बल रेस्पॉन्स पूरी तरह शो कर रहा है, ये पेशेंट मोटर रेस्पॉन्स पूरी तरह शो कर रहा है, तो आप कितना जवाब दे देंगे इनको, कितना स्कोर दे देंगे, 4, 5 and 6, इट मींस द मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस विल बी 15। अगर आंखें खोल ही नहीं रहा है, अगर कुछ बोल ही नहीं रहा है, अगर हाथ पांव हिला ही नहीं रहा है, तो आपका मिनिमम स्कोर कितना होगा, 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होता है, जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होता है, जवाब क्या मिलेगा, 3 होता है जीसीएस का मिनिमम स्कोर, और जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो जवाब क्या मिलेगा, 15। देखिए आई रेस्पॉन्स में 1, 2, 3, 4, वर्बल में 1, 2, 3, 4, 5, मोटर रेस्पॉन्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मिनिमम की बात की जाए तो तीनों मिनिमम ऐड कर दिए गए 3, और मैक्सिमम की बात की जाए तो इन तीनों मैक्सिमम को ऐड कर दिया गया, और आपका जवाब क्या आ गया, 15 आ गया, वेरी गुड, 3, 15, 1 गलत है भैया, 3, 15, मेंशन कर दें, जिन लोगों का गलत है वो मेंशन कर दें, मिनिमम स्कोर इन जीसीएस, मिनिमम पॉसिबल स्कोर इन जीसीएस, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, तो आपका जवाब आएगा 3, एंड मैक्सिमम स्कोर इन जीसीएस, जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर, तो आपका जवाब आएगा 15, 3 and 15, यानी रेंज पूछ ली जाए, व्हाट इज द रेंज ऑफ जीसीएस, जवाब दीजिएगा 1 to 10, 1 to 8, 3 to 8, 3 to 15, रेंज बताइएगा जीसीएस की, रेंज मिनिमम कितनी है 3 और मैक्सिमम 15, सो द रेंज ऑफ जीसीएस, अगर रेंज का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ जीसीएस, तो आपको जवाब क्या देना है, 3 to 15, वेरी गुड, 3 to 15, प्रतिमा जी बिल्कुल सही चल रहे हैं, बढ़े चलो, इसी रफ्तार से आगे बढ़ना है, दुनिया की सारी बाधाएं बोनी साबित हो जाएगी अगर आप में हौसला है, अगर आप में हौसला है, दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो हौसला। सुबह सुबह जब मैं अपनी ड्यूटी जा रहा था तो मैंने अपने गाड़ी में, अपने व्हीकल में FM रन किया, तो FM पे एक रेडियो जोकी थे RJ,
वो किसी महाराष्ट्र की लेडी का जिक्र कर रहे थे जिनकी एज है 82 ईयर्स। ये आज सुबह की बात शेयर कर रहा हूं, 82 ईयर्स उस लेडी की एज थी और 82 साल की लेडी को डॉक्टरों ने कहा, डॉक्टर्स लोगों ने कहा कि माताजी अब आपके लंग्स केवल 5% ही बचे हैं, 95% गायब हो चुके हैं, उनका फाइब्रोसिस हो गया है, ठीक है, नोवल कोरोना वायरस ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, केवल 5% लंग बचे हैं और अब आपके बचने के बहुत ज़्यादा कम चांसेज हैं। घर वालों को चीज़ें बताई तो घर वाले माताजी को उठा के घर पे ले गए, कोई नहीं कि अब घर पे केयर करेंगे, हॉस्पिटल में बेड खाली कर देते हैं, घर पे लेके चले गए। और लेकिन उस लेडी का हौसला देखिए, उन्होंने प्रोनिंग की, अपने पेट के बल लेटना, दिन में कई सारी पोजीशन चेंज करना, प्रोन पोजीशन में लेटना प्रोनिंग कहलाता है, उन्होंने सारी ड्रग्स टाइम टू टाइम ली, लेकिन उनमें हौसला था, उनके मन में एक जिल थी, जुनून थी कि अभी मुझे और जीना है। और इस भयावह कोरोना वायरस को 82 इयर्स की एज में उन्होंने मात दे दी। जब 82 साल की एक फीमेल, एक महिला, एक बुजुर्ग महिला कोविड जितने खतरनाक वायरस को अपने हौसले से हरा सकती है, दम है, उसको मिटा सकती है, मात दे सकती है, तो हम 82 साल के नहीं हैं, आप 20 से 30 साल की एज ग्रुप के हैं, उस एज ग्रुप में जिसमें खून में उबाल आना चाहिए, जिसमें हौसला ही फड़कना चाहिए, जिसमें जिल उछाले मारनी चाहिए, उस एज ग्रुप में आप अभी मौजूद हैं। तो याद रखिएगा, नॉरसेट को चेतावनी देते रहें, जो भी एग्जाम आपका गोल है उसको चेतावनी देते रहें। टॉपिक की तरफ आइएगा डियर, आपसे रेंज अगर पूछता है तो आपको रेंज बता देनी है 3 to 15। अब हम एक एक कंपोनेंट की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, एक एक कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से कंपोनेंट में कितनी होती है, क्या होती है। देखिए एक एक कंपोनेंट की तरफ डिस्कस करें, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है आपका, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है आई ओपनिंग, द फर्स्ट कंपोनेंट इज आई ओपनिंग। और मैंने कहा आई ओपनिंग को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, 4 सेगमेंट में, मैक्सिमम 4, 3, 2 एंड 1। आई ओपनिंग में 4, 3, 2, 1 आएगा। अब गौर से देखिएगा किस प्रकार आएगा, इसके लिए हमने निमोनिक भी बनाया है, एक निमोनिक बनाया है, यानी याद करने का आसान तरीका बनाया है। एक स्पोर्ट्स चैनल है बेटा जी, एक स्पोर्ट्स चैनल है ESPN, जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो फुटबॉल लवर्स हैं, वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि एक स्पोर्ट्स चैनल है ESPN। तो हमने ESPN से एक निमोनिक क्रिएट कर दिया गया है। ESPN क्या कहता है देखिएगा, E4 आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद आप पेशेंट के पास जाओ, पेशेंट बेड पे लेटा रहेगा, पेशेंट के पास गए, पेशेंट अपनी आंखें खोल दी। याद रखिएगा इस चीज को कहा जाता है स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग। और मार्किंग कितनी होगी, 4। आज तक के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के इतिहास में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है जिस ईयर से, वो यही क्वेश्चन आया है कि आपको एक एक सेगमेंट को उठा के दे दिया गया है कि पेशेंट ने पेन से या ओपनिंग की, पेशेंट ने पेन से अपने हाथ को फ्लेक्स किया, पेशेंट ने पेन से आपको कुछ जवाब दिया, बताइए टोटल स्कोर कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आए हैं। तो इस चीज को हद से ज्यादा फोकस के साथ सुनिएगा। अगर किसी पेशेंट को स्पॉन्टेनियस पास जाते ही आंखें ओपन कर दी गई तो स्कोर क्या होगा, 4। अगर किसी पेशेंट ने आप बेड के पास गए, पेशेंट आंखें बंद करके लेटा है, पेशेंट के पास गए लेकिन फिर भी पेशेंट अपनी आईज को क्लोज करके लेटा है, आपने उसको वॉइस कमांड दी, आपने बोला हेलो प्लीज ओपन योर आईज, कृपया अपनी आंखें खोलें, और जैसे कि यूजुअली नॉर्मल देहात एरिया में बोला ए आंखें खोल, जिस प्रकार से भी आपको वॉइस कमांड देनी है आपने उसको वॉइस कमांड दी, और वॉइस कमांड देते ही पेशेंट ने अपनी आईज को ओपन कर लिया। याद रखिएगा इस प्रकार की ओपनिंग को कहा जाता है आई ओपनिंग टू साउंड, या आई ओपनिंग टू वर्बल स्टिमुलाई एस, और इसको कितना स्कोर दिया जाता है, 3। बेड के पास जाते ही आंखें खुल जाना, स्कोरिंग 4। बेड के पास जाते हैं या पेशेंट के बेड के पास गए, आंखें नहीं खोली और आपने उसे आंखें खोलने को कहा, उसने आंखें खोली, तो आपका स्कोर कितना होगा, 3। आप पेशेंट के बेड के पास गए, उसने आंखें नहीं खोली, वॉइस कमांड दी, आंखें नहीं खोली, मजबूरी में आपने पेशेंट को प्रेशर स्टिमुलस अप्लाई किया। कौन सा स्टिमुलस अप्लाई किया, प्रेशर स्टिमुलस अप्लाई किया। याद रखिएगा प्रेशर स्टिमुलस, प्रेशर स्टिमुलस दो प्रकार के बताए आपको मैंने, एक तो बताया सेंट्रल। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि एक पेशेंट है जिसका GCS लिया जा रहा है, जो आईज क्लोज करके बेड पे लेटा है, पेशेंट के आप पास में गए, आपने पेशेंट को अप्रोच किया, उसने आईज ओपन नहीं की, आपने पेशेंट को वर्बल स्टिमुलाई दिया, कुछ आवाज लगाई लेकिन फिर भी उसने आंखें नहीं खोली, अब पेशेंट को आप पेन स्टिमुलाई या प्रेशर स्टिमुलाई अप्लाई कर रहे हैं, विच प्रेशर स्टिमुलाई इज अप्लाइड टू असेस आई ओपनिंग,
आई ओपनिंग खोलने के लिए कौन सा प्रेशर स्टिमुलाई अप्लाई किया जाता है? ऑप्शन ए सुप्रा ऑप्टिकल और ऑप्शन बी नेल पिंचिंग या ट्रेपेजियस। एक तरफ तो है आपका, लिख भी देता हूं, एक तरफ तो है आपका सुप्रा ऑप्टिकल या सुप्रा ऑर्बिटल जो भी है, एंड सेकेंड वन इज नेल पिंचिंग। दोनों में से, इन दोनों में से ही बताइएगा कि कौन सा स्टिमुलाई दिया जाएगा। आई ओपनिंग को चेक करने के लिए कौन सा प्रेशर स्टिमुलाई दिया जाएगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, सुप्रा ऑप्टिकल और नेल पिंचिंग, सुप्रा ऑर्बिटल और नेल पिंचिंग। अच्छा, जवाब आ रहा है सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल। वॉइस नहीं भैया, वॉइस तो ऑप्शन में ही नहीं दिया मैंने। अगर पेन प्रेशर स्टिमुलाई दे रहे हैं तो कौन सा स्टिमुलाई देंगे? सुप्रा ऑर्बिटल, नेल पिंचिंग, नेल पिंचिंग। सिमी जी नेल पिंचिंग, नवजोत जी भी नेल पिंचिंग है, ये डीके बट थ्री, मतलब थ्री तो ऑप्शन नहीं है डियर। सुप्रा ऑर्बिटल, दोनों नहीं, दोनों नहीं देना, कोई एक देना भैया, दोनों का ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन में नहीं दिया, दो ही ऑप्शन दिए मैंने आपको, नेल पिंचिंग, सुप्रा ऑर्बिटल। चलिए क्लियर कर देते हैं कंसेप्ट को, सुनिए वन बाय वन देख के देख लेते हैं। सपोज मैं वो पेशेंट हूं, आपके सामने बेड पे लेटा हूं, आईज क्लोज करके लेटा हूं, आप अब मेरे को पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं, या फिर आप खुद के साथ में करके देख सकते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और उसके बाद अपने सुप्रा ऑर्बिटल रिज को प्रेशराइज कीजिएगा। जब आप अपनी इन आंखों को दबाएंगे तो याद रखिएगा, जब सुप्रा ऑर्बिटल अप्लाई किया जाता है तो द पेशेंट शोज ग्रीमेस शो करता है, ग्रीमेसिंग शो करता है, और ग्रीमेसिंग का मतलब होता है मुंह बनाना। जैसे अगर आपको कहीं चोट लगी, अचानक दर्द हुआ, तो आपके चेहरे की शक्ल जो है, चेहरा है जो अचानक से अजीब सा हो जाता है, यूं करके आंखें बंद कर लेते हैं, यूं मुंह अजीब सा हो जाता है, इस चीज को ग्रीमेसिंग कहा जाता है। तो जब आप आंख के ऊपर वाले हिस्से को दबाएंगे तो पेशेंट अपनी आंखें नहीं खोलेगा, पेशेंट अपने चेहरे को अजीब सा बना के आंखों को और बंद कर लेगा। याद रखिएगा, आप यहां कौन सा कंपोनेंट चेक कर रहे थे? आई ओपनिंग। और अगर आपने पेशेंट को सुप्रा ऑर्बिटल दिया तो पेशेंट आई ओपनिंग नहीं करेगा, उल्टा आईज को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। याद रखिएगा, इसलिए कभी भी आई ओपनिंग में जब स्टिमुलस लगाना होता है तो सुप्रा ऑप्टिक नहीं लगाते। कौन सा लगाते हैं? नेल पिंचिंग लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, नेल पिंचिंग को लगाया जाता है, सुप्रा ऑप्टिक को नहीं लगाया जाता, क्योंकि सुप्रा ऑप्टिक से पेशेंट ग्रीमेस शो करेगा और अपनी आईज को ओपन कर लेगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगली चीज देखिएगा, अगर आप पेशेंट के बेड के पास में गए, पेशेंट आके नहीं खोली, आपने वॉइस ऑर्डर दिया उसको तो भी नहीं खोली, आपने उस पेशेंट के नेल्स को पिंच किया, लुनुला को पिंच किया, उसके बाद में भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली, और तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को कितना स्कोर दिया जाएगा? 1 स्कोर दिया जाएगा। जब पेशेंट पेन की वजह से आंखें खोल देता है तो 2, जब पेशेंट आवाज से खोल देता है तो 3, पास जाने से खोल देता है तो 3, और किसी भी वजह से नहीं खोलता तो स्कोर क्या होगा? 1 होगा। इस चीज में, इस लेशन, इस स्लाइड में आपको जो सबसे जरूरी चीज याद रखनी है वो सिक्वेंस याद रखना है, ESPN। इस सिक्वेंस से बहुत क्वेश्चन आएंगे। अगर कमांड्स की बात की जाए कि आई ओपनिंग के लिए कौन कौन सी कमांड्स काम में ली जा सकती है, तो सबसे पहली कमांड क्या होगी बोलिएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट कमांड? आंसर दीजिएगा, पहली कमांड क्या होगी आई ओपनिंग के लिए? आई ओपनिंग के लिए पहली कमांड क्या होगी? अप्रोचिंग होगी, वॉइस कमांड होगी, या फिर प्रेशर स्टिमुलस? अप्रोचिंग, वॉइस कमांड, या फिर प्रेशर स्टिमुलस, कौन सी कमांड होगी सबसे पहले? जवाब दें। कृपया शेयर करते रहें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें। दीजिए फटाफट। ओके, प्रवीण बिल्कुल सही, अप्रोचिंग। अमित जी का जवाब बिल्कुल सही, सिमी भी अप्रोचिंग, सारे अप्रोचिंग आ रहे हैं, अप्रोचिंग। ओके, सुप्रा ऑर्बिटल आया है पूजा जी की तरफ से, इट मींस पेन दे रहे हैं सबसे पहले, नहीं, अप्रोचिंग अप्रोचिंग अप्रोचिंग। इट मींस 99% स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि जब भी, देखिए मैंने कहा ना, सबसे पहले चार वाला करते हैं, यानी सबसे पहले पेशेंट के बेड के पास में जाते हैं, तो सबसे पहली कमांड कौन सी होगी? अप्रोचिंग। उससे आंखें नहीं खुलेगी तो दूसरी कमांड कौन सी होगी? वॉइस।
और उससे भी आंखें नहीं खुलेगी तो याद रखिएगा तीसरी कमांड कौन सी होगी, प्रेशर। तीनों कमांड को, प्रेशर स्टिमुलस, तीनों कमांड को काम में लिया जा सकता है किसके लिए, आई ओपनिंग के लिए। बाकी जो दो सेगमेंट चेक करेंगे उनमें तीनों कमांड काम में नहीं ली जाएगी, दो दो कमांड ही काम में ली जाएगी, वहां अप्रोचिंग का कोई लेना देना नहीं होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, आई ओपनिंग में तीनों कमांड काम में आती है, जबकि वर्बल रेस्पॉन्स में और मोटर रेस्पॉन्स में केवल कितनी कमांड काम में आती है, दो ही कमांड काम में आती है, वहां अप्रोचिंग काम में नहीं आती। क्लियर है डियर? तो आप यहां निमोनिक याद रखिएगा, ESPN। सेकेंड चीज जो है वो देखिएगा, वो है वर्बल रेस्पॉन्स। द सेकेंड थिंग इज वर्बल रेस्पॉन्स, कि एक पेशेंट है उसका दूसरा कंपोनेंट वर्बल रेस्पॉन्स चेक करना है आपको। वर्बल रेस्पॉन्स के लिए भी एक निमोनिक बना रखा है, देखिएगा। ये इंडियन टीम जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर, इंस्पायर हो सकते हैं इनसे। ये सारे 20, 21, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के लड़के थे जब T20 वर्ल्ड कप को जीता गया था, तो ये 20 से 25 साल के लड़के थे, एक्सपीरियंस के नाम पे जीरो। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनके पास में क्या था, हौसला था, जिल थी कि कुछ करना है, और उन्होंने कर दिखाया, T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। देखिए निमोनी क्या बनेगा, अवर कंट्री विन, अवर कंट्री विन, हमारी कंट्री जीतती है, अवर कंट्री विन, OCWIN। इस निमोनिक को याद रखना है, जबकि आई ओपनिंग के लिए क्या थी बेटा जी, ESPN, और यहां पे है OCWIN। सुनिए, बहुत जरूरी चीज है, अप्रोचिंग का यहां कोई कमांड नहीं होगा, सीधा सा जाके आपको पेशेंट को वर्बल कमांड देना होगा, पेशेंट को क्वेश्चन पूछने होंगे मुंह से, अगर पेशेंट उनके जवाब देता है तो ठीक, नहीं तो आपको पेशेंट को कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, प्रेशर स्टिमुलस दिखाई देना पड़ेगा। दो कमांड काम में आएगी यहां पे, तीसरी कमांड काम ही नहीं आएगी। अगर एग्जामिनर पूछता है कि कौन सी कमांड, विच कमांड इज नॉट यूज्ड फॉर वर्बल रेस्पॉन्स, तो आपका जवाब होगा अप्रोचिंग। अप्रोचिंग काम में नहीं लेते, केवल वर्बल रेस्पॉन्स पेशेंट से सीधा क्वेश्चन कीजिएगा और पेशेंट के डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट को प्रेशराइज कीजिएगा, ये दो ही कमांड काम में ली जाती है। अब सुनिएगा डियर, अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि पेशेंट है, आप उसके पास गए, उसके बाद उससे क्वेश्चन पुटअप किया आपने, क्या क्वेश्चन पुटअप किया, आप तीन चीजों के लिए क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ओरिएंटेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप करेंगे, TPP। ओरिएंटेशन की जब भी बात आती है तो तीन चीजें आती है, TPP, T फॉर टाइम, आप टाइम को लेकर क्वेश्चन कीजिएगा, P फॉर पर्सन और P फॉर प्लेस। आप उससे पूछ सकते हैं, पर्सन की बात की जाए तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इट मींस आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए पूछ रहे हैं। आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू, आप कहां हैं, तो आप प्लेस के लिए पूछ सकते हैं, और आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से महीने में पैदा हुए थे, या फिर आपका बजीड किस ईयर में बोला था, महीने में बोला था, बजीड बोले तो शादी, आपकी शादी कौन से महीने में थी, ईयर में हुई थी, इट मींस आप किसको और किस को चेक कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट को, टाइम को चेक कर रहे हैं। याद रखिएगा TPP, टाइम, पर्सन एंड प्लेस, ये कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पेशेंट के पास गए और आपने उससे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, उसने कह दिया माय नेम इज राहुल, वेयर आर यू, आई थिंक आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम इन अ वार्ड ऑफ हॉस्पिटल, या इट मींस करेक्ट जवाब दे रहा है, और आप फिर पूछ लिया आपने व्हाट इज योर बर्थ मंथ, आपका बर्थ का मंथ क्या है, और वो कहेगा इट मस्ट बी डिसंबर, ये दिसंबर होना चाहिए, इट मींस उसने तीनों चीजों के सही जवाब दे दिए हैं, इट मींस वो पूरी तरह ओरिएंटेड है, पूरी तरह ओरिएंटेड है, O4 ओरिएंटेड। और आप उसको कितना स्कोर देंगे, 5 का स्कोर देंगे। एक 25 साल का बच्चा है, उसे जन्म डेट पूछ रहे हैं, वो 25 साल वाली बता रहा है, तो आप कितने का स्कोर देंगे, 5 का स्कोर देंगे। अगर उसी पेशेंट को आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिएगा, मैं उसी पेशेंट के पास में गया, या वैसे ही पेशेंट के पास गया और मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, उसने कहा बनाना, आपका क्या नाम है, और उसने बोला बनाना, मैंने पूछा वेयर आर यू, उसने कहा इट मस्ट बी ए थिएटर, ये सिनेमा हॉल होना चाहिए, मैंने कहा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसने कहा इट मस्ट बी आई मस्ट बॉर्न इन इवनिंग यस्टरडे, मैं अभी कल शाम को ही 4-5 बजे के लगभग पैदा हुआ हूं। इट मींस वो जवाब तो दे रहा है और पूरे सेंटेंस बोल रहा है, लेकिन ये जवाब ओरिएंटेड नहीं है, कंफ्यूज्ड जवाब दे रहा है। इस केस में आप कितना स्कोर देंगे, 4 का स्कोर देंगे। गौर से देखिएगा डियर, सबसे पहले क्या हुआ,
उस पेशेंट ने सबसे पहले आपको जवाब दिया, पूरा सेंटेंस दिया, पूरे सेंटेंस में जवाब दिया, याद रखना। लेकिन सेंटेंस में जवाब दिया वो कैसा है, ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, तो आपका स्कोर कितना होगा, 5 होगा। अगर वही पेशेंट आपको जवाब दे देता है और जवाब भी सेंटेंस में देता है, केवल वर्ड नहीं बोलेगा, सेंटेंस में जवाब देगा और वो कंफ्यूज्ड जवाब होगा, डिसओरिएंटेड होगा, उस केस में याद रखिएगा आपका स्कोर कितना होगा, 4 होगा। अगर वही पेशेंट आपने उसी को क्वेश्चन पूछा और आपसे उसने पूछा कि आप कहां रह रहे हो, तो वो कुछ दूसरा ही वर्ड बोल के रह जाता है, पूरी जवाब लाइन नहीं बोलता है कि मैं जयपुर में रह रहा हूं, मैं वहां रह रहा हूं, केवल वर्ड्स बोल देता है। वो कह देता है साहब बनाना, वो कह देता है मैंगो वगैरह, मुगेम्बो, ऐसा कुछ चीजें बोल देता है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में आप उस पेशेंट को कितना स्कोर देंगे, 3 ही स्कोर देंगे। अगर आप उससे पूछे कि कहां जा रहे हो और पेशेंट आपको जवाब दे दाल बाटी चूरमा, क्लियर है, पूछा क्या और जवाब क्या निकल गया, आ गया। ऐसे केस में याद रखिए वर्ड्स में जवाब आ रहा है, याद रखिएगा। दोनों में सेंटेंस आए थे और यहां वर्ड्स आ रहे हैं, तो उस केस में कितना स्कोर देंगे, 3 स्कोर देंगे। आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन कि एक पेशेंट है जिसका आप वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं और पेशेंट कहता है, आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, और पेशेंट जवाब देता है माई नेम इज मुगेम्बो। इट मीन्स, सुनिए, माई नेम इज मुगेम्बो, उसने बताइए वर्ड बोला या सेंटेंस, सेंटेंस। लेकिन जवाब सही था या कंफ्यूज था, कंफ्यूज था। इस केस में उसको कितना, कितनी मार्किंग की जाएगी, 4। उसी पेशेंट को आपने पूछा व्हाट इज योर नेम और वो बोल देता है बनाना, आपने क्या किया, याद रखिएगा, उस पेशेंट को अब केवल एक वर्ड में जवाब दिया, इसलिए उसका आंसर कितना होगा, 3। उसका जवाब कितना होगा, 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए। मैं एक पेशेंट के पास में गया और मैंने उस पेशेंट से कुछ क्वेश्चन पूछा। मैंने उस पेशेंट को बोला हेलो भैया आंखें खोलो, उसने आंखें नहीं खोली। मैंने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया या प्रेशराइज स्टिमुलाई दिया, मैंने उसके सुपरा ऑर्बिटल रिज को दबाया या मैंने ट्रेपेजियस स्क्यूज किया या फिर मैंने लुनुला को यहां से प्रेशराइज किया, पिंचिंग किया, और पेशेंट के मुंह से आवाज निकली यानी मॉर्निंग की उसने, ऐसे उसने अगर मॉर्निंग की, वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं किए, उसने केवल ऐसी कुछ साउंड पैदा की जो आप समझ नहीं रहे। स्कोरिंग बताइए, स्कोरिंग बताइए। एक पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देने पे या प्रेशर स्टिमुलाई देने पे पेशेंट मॉर्निंग कर रहा है, ऐसी साउंड्स पैदा कर रहा है जो आप समझ नहीं सकते हैं, तो बताइए जीसीएस के वर्बल कंपोनेंट में कितना रेस्ट में, कितनी मार्किंग की जाएगी, कितनी मार्किंग होगी, फटाफट जवाब दीजिएगा। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और प्लीज जवाब दें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जवाब दें। डियर 2 2 1 1 1, बेटा 1 का मतलब नो रेस्पॉन्स होता है, 1 का मतलब तो नो रेस्पॉन्स होता है। 2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल हितेश जी 2, रुपिंदर जी 2, क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है आंसर देख के। इसका मतलब सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। डियर ध्यान रखिएगा, अगर पेशेंट साउंड पैदा कर रहे हैं, मॉर्निंग साउंड कहा जाता है इनको, अजीबोगरीब, जैसे ऐसी कुछ साउंड पैदा कर रहा है, मॉर्निंग साउंड, जो आप समझ नहीं सकते, इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझना, जिसे आप समझ ही नहीं सकते, ऐसे साउंड पैदा की जा रही है, तो इस केस में याद रखिएगा कितना स्कोर दिया जाएगा, 2 का स्कोर दिया जाएगा। और अगर पेशेंट को आप वॉइस कमांड दें और पेन स्टिमुलस दें और उसके बाद में भी जवाब ना दें, तो उसका स्कोर कितना होगा डियर, उसका स्कोर होगा 1। याद रखिएगा निमोनिक, वहां के लिए न्यूमोनिक थी ESPN आई ओपनिंग के लिए, और यहां के लिए न्यूमोनिक है OCWIN। थर्ड देखिएगा बेटा जी, नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो आपके सामने है वो है मोटर रेस्पॉन्स। सबसे जरूरी और सबसे कंफ्यूजिंग अगर कोई चीज है तो मोटर रेस्पॉन्स है। मोटर रेस्पॉन्स के बारे में मेरे को बताइएगा कि अगर एक पेशेंट है जो मोटर रेस्पॉन्स चेक करना चाह रहे हैं, GCS स्कोर चेक करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए कितने सेगमेंट्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे, 6 होंगे, स्कोरिंग होगी 6 5 4 3 2 1। हमेशा याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। आई ओपनिंग का क्या सीक्वेंस होगा, एग्जामिनर पूछेगा,
वर्बल रेस्पॉन्स का सीक्वेंस क्या होगा आपसे एग्जामिनर पूछेगा, और मोटर एक्टिविटीज का क्या सीक्वेंस होगा ये भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा। आपसे कभी भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस भी याद रखना है, कौन कौन सी कमांड दी जा सकती है। आई ओपनिंग में तीनों कमांड, वर्बल रेस्पॉन्स में दो कमांड, और मोटर रेस्पॉन्स में भी दो कमांड दी जा सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि एक पेशेंट के पास आप गए, याद रखिएगा यहां पे भी कौन सी कमांड नहीं देनी है, अप्रोचिंग कोई कमांड नहीं है। पहली कमांड कौन सी होगी यहां पे, वॉइस, और दूसरी होगी प्रेशर वाली। प्रेशर का सीक्वेंस क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एक पेशेंट के पास आप गए और जाने के बाद पेशेंट को आपने कहा हेलो हेलो प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाएं, अपनी जीभ निकालें, और पेशेंट करके लपलपा के अपनी जीभ बाहर निकाल देता है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में आपको उस पेशेंट को कितना स्कोर देना है, 6। याद रखिएगा अगर आपकी कमांड को ओबे करता है, आपकी वॉइस कमांड को पेशेंट ओबे कर देता है, याद रखिएगा इस केस में आपको उसको कितना स्कोर देना है, 6 स्कोर देना है। अब ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त है, आपको समझनी है। अगर पेशेंट को वॉइस कमांड की दी आपने और उसने फॉलो नहीं किया, केवल पहला वाला सेगमेंट वॉइस से जाना जाएगा, बाकी के जितने भी सेगमेंट है वो सारे पेन स्टिमुलस से या प्रेशर स्टिमुलस से जाने जाएंगे। अगर आपने उसको वॉइस आंसर जवाब कुछ बोला कि अपने हाथ पैर ऊपर करो और उसने कर दिए, तो आपने स्कोर 6 दे दिया। लेकिन अब आप वॉइस कमांड दे रहे हैं, वो कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, तो आपको प्रेशर करना पड़ेगा, प्रेशर पॉइंट को दबाना पड़ेगा। और अगर आपने पेशेंट के प्रेशर पॉइंट को दबाया, सबसे पहले सपोज आपने पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया, इस रिज को गौर से देखिएगा, अगर आपने पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया, याद रखिएगा। अच्छा एक एग्जाम का क्वेश्चन सुनिएगा और एक एग्जाम के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा प्लीज, मुझे जवाब दीजिएगा कि मोटर रेस्पॉन्स में सबसे पहले वॉइस कमांड दी जाती है, और जब पेशेंट वॉइस कमांड को फॉलो नहीं करता तो प्रेशर कमांड दी जाती है, और दो प्रेशर कमांड होती है, एक तो है सुप्रा ऑर्बिटल वाली यानी सेंट्रल वाली, और दूसरी है नेल पिंचिंग वाली, नाखून को दबाने वाली। दो प्रकार की है, याद रखिएगा, वन इज सुप्रा ऑर्बिटल एंड सेकंड वन इज नेल पिंचिंग। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे कि मोटर रेस्पॉन्स के लिए पहली कौन सी कमांड होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वो इससे जवाब नहीं दे रहा तो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर में पहली कौन सी होगी, प्रेशर में पहली कमांड कौन सी होगी, फटाफट जवाब दीजिएगा, प्रेशर में पहली कमांड कौन सी होगी। शेयर करते रहें, लाइक करें प्लीज, अपने दोस्तों को भी बताएं पहली कमांड कौन सी होगी, व्हाट विल बी द, इन दोनों में से प्रेशर में से पहली कौन सी होगी, सुप्रा ऑर्बिटल होगी या नेल बाइटिंग होगी, सुप्रा ऑर्बिटल और नेल बाइटिंग, जवाब आया है सुप्रा ऑर्बिटल जी, बाकी लोग भी जवाब दें भैया, सुप्रा ऑर्बिटल नेल बाइटिंग भी आ रहा है, सुप्रा ऑर्बिटल अमित पवार, सुप्रा ऑर्बिटल कुलदीप, सुप्रा ऑर्बिटल, बिल्कुल चीटिंग कर ली गई है आपने, मैंने यहाँ लिख रखा था सीक्वेंस में, आपने चीटिंग कर ली, मैंने पकड़ ली, एक टीचर की नज़रों से आप बच नहीं सकते, मैंने सीक्वेंस लिख रखा है कि सबसे पहले वॉइस देंगे और उसके बाद प्रेशर देंगे, और प्रेशर में भी पहले कौन सी देंगे, सुप्रा ऑर्बिटल देंगे, और उसके बाद कौन सी देंगे, नेल पे प्रेशर वाली देंगे। याद रखिएगा ये जरूरी एग्जाम का क्वेश्चन है कि जब आप मोटर रेस्पॉन्स चेक करते हैं तो पहले वॉइस से चेक करें, अगर उससे आंसर ना आए तो सुप्रा ऑर्बिटल दें, और उसके उससे भी जवाब ना आए तो फिर आगे प्रकार क्या करें, नेल पिंचिंग करें। कैसे, गौर से देखिएगा, करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं वन बाय वन, सुनिएगा। दूसरा जो कंपोनेंट है आपका, दूसरा सेगमेंट है, वो है लोकलाइजेशन ऑफ पेन। अगर यहां देखा जाए, सबसे पहले आपने वॉइस दी और वॉइस देते ही पेशेंट ने कमांड को फॉलो कर दिया तो 6 नंबर दे दिए गए। अब आप पेशेंट को पेन स्टिमुलस दे रहे हैं, कौन सा, सुप्रा ऑप्टिक, पेशेंट को सुप्रा ऑप्टिक पेन स्टिमुलस दे रहे हैं। जैसे ही पेशेंट को सुप्रा ऑप्टिक पेन स्टिमुलस देंगे, मतलब यहां से दबाएंगे, सपोज मैं एक हूं पेशेंट हूं और मेरे यहां से दबाया जा रहा है, तो क्या होगा, अगर मेरे एक सुप्रा ऑर्बिटल रिज से कोई नर्स प्रेशराइज करेगी तो मैं आज सीधा लेटा हूं तो मैं अपने हाथ को उठाऊंगा और उस नर्स के हाथ को होल्ड कर लूंगा, ग्रैप कर लूंगा या उसके हाथ को हटा दूंगा। गौर से सुनिएगा, सारी ये कंसेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, क्लियर कर रहा हूं आज।
जैसे ही सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया गया तो पेशेंट ने अपना हाथ ऊपर उठाया और हाथ ऊपर उठा के नर्स के हाथ को यहां तो पकड़ लिया और यहां फिर नर्स के हाथ को वहां से दूर कर दिया। इसका मतलब उसे पता चल रहा है कि उसे दर्द कहां हो रहा है और दिस कंपोनेंट इज नोन एज लोकलाइजेशन टू पेन। लोकलाइजेशन टू पेन, सुप्रा ऑर्बिटल को दबाना, पेशेंट को अपने हाथ को फ्लेक्स करना और थोड़ी चिन, ये चिन है बेटा जी, इस चिन से अगर ऊपर पेशेंट अपना हाथ चला जाता है तो याद रखिएगा इस चीज को कहा जाता है लोकलाइजेशन ऑफ पेन। और आपको कितना नंबर देना है, 5 नंबर। इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा, एक पेशेंट था, आपने प्रेशर पॉइंट अप्लाई किया। किस पे प्रेशर पॉइंट अप्लाई किया? सबसे पहले सुप्रा ऑर्बिटल पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले, और जैसे ही सुप्रा ऑर्बिटल पे आपने अप्लाई किया, इस पेशेंट ने अपना हाथ ऊपर उठाया, ये समझाने के लिए इतना ही बनाया हुआ है, ये पेशेंट अपना पूरा हाथ ऊपर उठाएगा और जहां नर्स इसको प्रेशराइज कर रही है वो नर्स के हाथ को होल्ड कर लेगा, नर्स के हाथ को पकड़ लेगा या नर्स के हाथ को दूर कर देगा। तो ऐसे केस में याद रखेगा इस चीज को क्या कहा जाता है, लोकलाइजेशन टू पेन। और कितना नंबर देना है इस केस में, आप नंबरिंग देनी है 5। कितनी नंबर देनी है? 5 नंबरिंग देनी है। लोकलाइजेशन टू पेन को 5 नंबर देना है, हमेशा याद रखिएगा। अगली कंडीशन देखिएगा डियर, नेक्स्ट चीज देखिएगा। इस बार भी आप पेशेंट के कौन सा स्टिमुलस अप्लाई कीजिए? सुप्रा ऑर्बिटल। पेशेंट लेटा हुआ है, अगर पेशेंट अपने हाथ को ऊपर उठाए, उठाने की कोशिश भी करे, लेकिन उसका हाथ चिन से ऊपर नहीं जाए, ठोड़ी से ऊपर नहीं जा रहा, आप आंखों के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो, पेशेंट अपना हाथ उठाना भी चाह रहा है और हाथ उठा के ऐसे दूसरी साइड में ले जा रहा है लेकिन हाथ चेहरे पे थोड़ी से ऊपर नहीं जा पा रहा, इस केस में इसको नंबर देना है 4। और इस चीज को कितना कहा जाता है बेटा जी? दैट इज नोन एज विड्रॉवल टू पेन। दिस इज नोन एज विड्रॉवल टू पेन। अगर पेशेंट याद रखेगा अपने हाथ को ऊपर उठा रहा है और हाथ थोड़ी से ऊपर नहीं जा रहा, अगर हाथ थोड़ी से चिन से ऊपर नहीं जा रहा है तो इस केस में याद रखेगा पेशेंट को कितना स्कोर देना है? द स्कोर विल बी 4। स्कोर कितना होगा डियर? 4 होगा। प्लीज लाइक करते रहें, द स्कोर विल बी 4। 4 स्कोर होगा, याद रखेगा। इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ये देखिएगा एक पेशेंट है आपके सामने और इस पेशेंट में आपने वही सुप्रा ऑर्बिटल पिंचिंग की। क्या की बेटा जी? सुप्रा ऑर्बिटल पिंचिंग की, लेकिन पेशेंट ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, पेशेंट ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और ये हाथ ऊपर उठाया ऐसे सीधा पड़ा था उसका हाथ ऐसे, उसने अपने हाथ को फ्लेक्स किया लेकिन ठोड़ी के आसपास भी नहीं गया, इस केस में याद रखेगा इस चीज को कहा जाता है विड्रोवल टू पेन, या इसको दूसरे शब्दों में किस नाम से जाना जाता है? नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन, आवाज देने से ही पेशेंट ने, आपने आवाज दी, उसने आपको फटाफट, आपने कहा हाथ ऊपर करो, कर दिया, नंबर 6। आपने आंखें दबाई और पेशेंट ने हाथ ऊपर कर दिया, आपने नंबर दे दिया 5। पेशेंट की आंखें दबाई और पेशेंट ने हाथ ऊपर उठाया और यहीं ऊपर उठ के रह गया, ठोड़ी पे नहीं गया, तो आपने नंबर कितना दे दिया बेटा जी? 4। कितना नंबर देना है? 4 नंबर देना है, याद रखेगा। और ये अगर यहां दबाने से हाथ ऊपर उठाया, ठोड़ी के ऊपर नहीं गया, अब सुप्रा ऑर्बिटल के बाद में आप किसको दबाओगे? नाखून को। इसी में ही 2 बार दबाया जाता है, पहले सुप्रा ऑर्बिटल को दबाया जाता है और अगर सुप्रा ऑर्बिटल में ठोड़ी तक नहीं जाता है, चला जाता है तो बेस्ट है, और अगर नहीं जाता है तो फिर उसके नाखून को भी दबाइएगा। और जैसे ही नाखून को दबाएंगे, पेशेंट अपने हाथ को दूसरी साइड में, मेरे नाखून को दबाओगे तो मैं हाथ को दूसरी साइड में लेके चला जाऊंगा, इस चीज को क्या कहा जाता है? विड्रॉवल टू पेन। हाथ को मोड़ना फ्लेक्शन, एल्बो को मोड़ना फ्लेक्शन और हाथ को दूर ले जाना, इसको कहा जाएगा विड्रॉवल टू पेन। ये कंपोनेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी के अंदर होते हैं, इसलिए इसे बार बार टाइम दिया जा रहा है। सीधा सीधा उसने फॉलो कर दिया, जी बार निकालो 6। आपने उसने सुप्रा ऑर्बिटल दबाया और उसने अपने आपके हाथ को पकड़ लिया 5। आपने सुप्रा ऑर्बिटल दबाया और उसने आपके हाथ को थोड़ी से ऊपर ही नहीं लेके गया, तो याद रखिएगा नॉर्मल फ्लेक्शन या विड्रोवल टू पेन, और मार्किंग कितनी होगी? 4। आगे वाले जो कहलाते हैं वो है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन नहीं है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एक पेशेंट अपने बेड में चुपचाप लेटा है, आपने कहा आंखें खोलो, जी बाहर निकालो, उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, आपने उसके सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया और जैसे ही आपने सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया, याद रखिएगा पेशेंट अपने हाथ छाती पे लेके आ गया, ऐसे मोड़ लिया, ऐसे मेरी तरह इस तरह कर लिया, जैसे कुंवारे लड़के सोते हैं ऐसे कर लिया उसने अपने हाथों को, यूं छाती पे करके मोड़ के सो गया, वो यूं कर लिया।
अगर उसने ऐसा कर दिया, याद रखिएगा, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल फ्लेक्शन। इसको कार ड्राइविंग भी बोला जाता है, याद रखिएगा ये कंसेप्ट, हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दिस इज नॉन एज एबनॉर्मल फ्लेक्शन और दिस इज नॉन एज डीकोर्टिकेट पोस्चर और दिस इज नॉन एज कार ड्राइविंग। कार ड्राइविंग, इलेक्ट्रिकल कार ड्राइविंग, ऐसी कार जो इलेक्ट्रिकल कार होती है, यानी तीन पहियों वाली वन, ये आपकी कार है टेम्पो जैसी, एक पहिया यहां है और दो पहिए पीछे हैं। तो याद रखिएगा इस कार के कितने व्हील हैं? थ्री व्हील हैं। स्कोरिंग भी कितनी? थ्री। इसलिए थ्री तीन पहियों वाली कार ली मैंने, एक इलेक्ट्रिकल कार ड्राइविंग ली है आपने, इलेक्ट्रिकल कार ड्राइविंग में तीन पहिए हैं। अच्छा, कार जब चलाते समय पेशेंट कैसा रहता है? कार को चलाते समय पेशेंट ऐसे सीट पे बैठा रहता है यूं, और उसके हैंड्स देखे जाए तो यूं स्टेयरिंग पे रहते हैं, दोनों हाथ यूं, पेशेंट के दोनों हाथ स्टेयरिंग पे यूं रहते हैं। अगर इस तरह से पेशेंट दोनों हाथों से स्टेयरिंग पकड़ के बैठा रहता है, अगर आपने पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल रिज को प्रेशराइज किया और पेशेंट ने टक से अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लिया है, अगर कार चलाने की पोजीशन में आ गया है, तो इस पोस्चर को कहा जाता है डीकोर्टिकेट पोस्चर, कार ड्राइविंग पोस्चर, एबनॉर्मल फ्लेक्शन पोस्चर, फ्लेक्शन नहीं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन पोस्चर। और कितनी मार्किंग की जाती है इसकी? तीन मार्किंग की जाती है, याद रखिएगा। आगे सुनिएगा, अगर आपने पेशेंट को बोला कि जीभ बाहर निकाल, नहीं निकाली, आपने यहां से दबाया, पेशेंट ने इस बार अपने हाथों को यूं मोड़ा नहीं, बल्कि हाथों को यूं सीधा कर लिया, यूं जैसे मैंने किया है, अपनी एल्बो को सीधा कर दिया और कलाई को यूं घुमा दिया, अगर इस पोजीशन में आ गया है, तो इसको कहा जाता है एबनॉर्मल एक्सटेंशन। किस नाम से जाना जाता है? एबनॉर्मल एक्सटेंशन या डी सेरिब्रेट पोस्चर कहा जाता है। बाइक राइडिंग, याद रखिएगा ये बाइक राइडिंग का कंसेप्ट है, ऊपर वाला कार राइडिंग थी, यहां बाइक राइडिंग थी। आपके सामने मैंने बना भी दिया, ये लीजिए एक बाइक, ये एक बाइक है आपके सामने, जो भी हायाबूसा माने आप, कोई सी भी बाइक माने, ये एक बाइक है, याद रखिएगा। और इस पे जब ड्राइवर बैठेगा, इसको ड्राइव करेगा बंदा, इस पे ड्राइव करेगा बंदा, तो उसके हाथ बिल्कुल सीधे होंगे, देखिए ऐसे करके वो स्टेयरिंग को पकड़ के रहेगा और इस ढंग से कार को ड्राइव करेगा। अगर हाथ बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, यूं घूम जाते हैं, तो एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, और हाथ कार चलाने की तरफ फ्लेक्स हो जाते हैं, तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। कार में तीन व्हील थे इसलिए स्कोरिंग थ्री, और बाइक में दो ही व्हील है इसलिए स्कोरिंग टू। आप पेशेंट को कितना ही पेनफुल स्टिमुलेशन दे दें, अगर पेशेंट कोई भी रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, हिलडुल ही नहीं रहा, डेड की तरह पड़ा है, तो इस केस में याद रखिएगा पेशेंट को कितना मार्किंग देनी है? वन मार्किंग देनी है। कितनी मार्किंग देनी है? बिल्कुल कार और बाइक भी बना दी है बच्चों ने, कितने क्रिएटिव है भैया जी, इसको कितना स्कोर देंगे बेटा जी? वन स्कोर दे देंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो इधर देखिएगा डियर, सबसे इंपॉर्टेंट था कि आवाज दी, उसका जीभ बाहर निकाल, उसने निकाल दी, तो पॉइंट देंगे सिक्स। आपने उसने सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया, और रिज को दबाते ही पेशेंट ने अपना हाथ ऊपर उठाया और आपके हाथ को पकड़ लिया, या आपने आपके हाथ को दूर फेंक दिया, तो आप कितनी मार्किंग देंगे? फाइव। आपने पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया, पेशेंट ने अपने हाथ उठाने की कोशिश की और चेस्ट पे आया, लेकिन चिन या चिन से ऊपर नहीं आ पाया उसका हाथ, तो आप कितनी मार्किंग देंगे? फोर। आपने पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया और दबाते ही तो पेशेंट कार चलाने की पोजीशन में पूरी बॉडी मुड़ गई, यूं ऐसी पोजीशन हो गई, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। तीन कार, तीन पहियों वाली कार, तो थ्री मार्किंग। आपने पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल रिज को दबाया और दबाते ही तो पेशेंट बाइक चलाने की तरह दोनों हाथ यूं सीधे कर लेगा, यूं मोड़ लेगा, तो बाइक चलाने की तरह हाथ सीधे करते ही मार्किंग कितनी होगी? टू। और आप पेशेंट को कितना ही छेड़ो, उठाओ, पटको, कुछ भी करो, पेशेंट कोई मोटर एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, देन द मार्किंग विल बी जीरो, मार्किंग जीरो होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं बेटा जी, ये देखिएगा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जो तीसरा बताया था हमने, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जिसको डीकोर्टिकेट या कार ड्राइविंग भी बोला जाता है, उसकी मार्किंग दे, उसका पिक्चर देखिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन का टाइम है, याद रखिएगा। कार पार्किंग, कार ड्राइविंग, आपसे ये इमेज पूछी जाएगी, और पूछी क्या जाएगी? नॉर्थ साइड में पूछी भी तो गई है, पहले से नॉर्थ साइड पूछ चुका है ये इमेज, आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ऐसी इमेज दी जाएगी और बोला जाएगा कि एक पेशेंट को पेन स्टिमुलस देती है तो उसकी बॉडी ऐसे हो गई है, बताइए उसको जीसीएस में कितना स्कोर दिया जाएगा? इसके हाथ देख के बताइए मेरे को, हाथ बाइक चलाने की तरह है या कार चलाने की तरह है? कार चलाने की तरह है। और कार कितने पहियों वाली बताई थी? तीन पहियों वाली। इस केस में इसको कितनी स्कोरिंग दी जाएगी? तीन स्कोरिंग दी जाएगी। कौन सा स्कोर कहलाएगा, कौन सी ग्रेडिंग कहलाएगी? एबनॉर्मल फ्लेक्शन या डी
कोर टिकेट, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है डी कोर टिकेट पोस्चर कब होता है, जब ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, जब ऊपरी हिस्सा, जब ऊपर वाला। अच्छा ज्यादा भारी कौन है, रकम में देखी जाए, अगर पैसों में देखी जाए तो ज्यादा भारी कौन है, कार या बाइक? ऑब्वियसली बात है कार भारी है, कार ऊपर है, बाइक वाला नीचे है, कार वाला ऊपर है, कार वाला ऊपर यानी ब्रेन, ब्रेन का ऊपरी हिस्सा डैमेज होगा। अगर ब्रेन का ऊपरी हिस्सा डैमेज होगा, कार वाला हिस्सा डैमेज होगा, तो मार्किंग कितनी दी जाएगी, 3, और उस पोस्चर को कहेंगे डी कोर्टिकेट पोस्चर। और अगर ब्रेन का निचला हिस्सा डैमेज होगा यानी बाइक वाला हिस्सा डैमेज होगा, तो वो 2 पहियों वाली मार्किंग दी जाएगी, 2 दी जाएगी, उस पोस्चर को कहेंगे डी सेरिब्रेट पोस्चर। हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि डियर बताइएगा किस हिस्से के डैमेज होने से होता, तो आपको देखिएगा ब्रेन भी बता दूं, ये मैंगो आपका आम, ये मैंगो है आपका, ये है ऑरेंज संतरा, हिंदी मीडियम के ज़्यादा है, और ये है टर्लिप यानी इमली। 3 पोर्शन है आपके जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है, दिस इज सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम एंड दिस इज ब्रेन स्टेम, इन 3 नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। यहाँ पे बीच में पाया जाता है थैलेमस, कौन पाया जाता है डियर, सेरिब्रम के नीचे दसावा कौन है, थैलेमस, और यहां पे इसके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है जिसको इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। अगर सेरिब्रम टूटा, मैंने कहा ना कार की तरह ऊपर वाले इससे टूटे, अगर सेरिब्रम टूटा या इंटरनल कैप्सूल टूटा या थैलेमस टूटा, तो याद रखिएगा पेशेंट कार वाली पोजीशन में डी कोर्टिकेट पोस्चर में आएगा। नाम भी बता दिया मैंने कौन कौन टूटा, अगर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स टूटा, इंटरनल कैप्सूल टूटा या थैलेमस टूटा, क्लियर है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि बताइए डी कोर्टिकेट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, डी कोर्टिकेट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, मैं आपको करके बता देता हूं। ये मैंने अपने हाथ को दूर कर दिया, दैट इज अबडक्शन, अबडक्शन अगवा कर लेना, उठा के ले जाना। मैंने हाथ को अपनी बॉडी के चिपका दिया, एडक्शन, पहले पेशेंट का हाथ एडक्ट हो जाता है, बॉडी के चिपक जाता है, याद रखिएगा। जो ये एल्बो होती है उसमें फ्लेक्शन हो जाता है, एल्बो मुड़ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सबसे पहले एडक्शन होगा, एल्बो में फ्लेक्शन होगा, रिस्ट में भी फ्लेक्शन होगा, ऐसे दोनों हाथों में ऐसे हो जाएगा, याद रखिएगा पेशेंट इस पोजीशन में आ जाएगा, हाथ एडक्शन हो जाएंगे, एल्बो में फ्लेक्शन होगा और रिस्ट का भी फ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। प्लस अगर पैरों का देखें तो पैरों में एक्सटेंशन होगा, पैरों में एक्सटेंशन होगा, और ये पैर भी पौधे को दिखाते हुए दूर पैर से ही पौधा दिखाएंगे, वो प्लांट है, यानी कौन सा फ्लेक्शन होगा, प्लांटर फ्लेक्शन होगा। पैरों में याद रखिएगा एक्सटेंशन और प्लांटर फ्लेक्शन, और हाथों में देखा जाए तो शोल्डर का एबडक्शन, एल्बो का फ्लेक्शन और रिस्ट का फ्लेक्शन। इस पोस्चर को डी कोर्टिकेट पोस्चर कहा जाता है, और ये ब्रेन के इन तीनों हिस्सों के डैमेज होने से होता है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। स्कोरिंग याद रखिएगा, डी कोर्टिकेट कोर यानी कार, और कार वाली मार्किंग कितनी, 3, हमेशा याद रखिएगा। दूसरी जो अगली सीन है वो आपका डी सेरिब्रेट पोस्चर है, डी सेरिब्रेट पोस्चर है बाइक वाला पोस्चर, जिसे बाइक राइडिंग भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज बाइक राइडिंग, इसे बाइक राइडिंग भी कहा जाता है। कितने पहियों वाली, 2 पहियों वाली, तो स्कोर कितना दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा। बाइक चलाने की तरह देखिए, इस पेशेंट के हाथ बिल्कुल सीधे है, कैसे होता है देखिए, शोल्डर वही एडक्ट होंगे, एल्बो में इस बार फ्लेक्शन नहीं होगा, बस इतना सा अंतर है। एल्बो में क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, कलाइयों में वही क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, पैर सेम टू सेम रहेंगे, पैरों में वही प्लांटर फ्लेक्शन होगा, पैरों में वही एक्सटेंशन होगा, रिस्ट में भी फ्लेक्शन होगा, शोल्डर में भी एबडक्शन होगा। एकमात्र अंतर बेसिकली जो आया है वो एल्बो में आया है, वहां कोनिया फ्लेक्शन थी और यहां कोनिया क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। और ये ब्रेन के निचले हिस्से के टूटने की वजह से होता है, ब्रेन के निचला हिस्सा यानी सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये कहलाता है ब्रेन स्टेम। कार वाला हिस्सा, बाइक वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ब्रेन स्टेम के डैमेज होने से जो पोस्चर शामिल आता है पेशेंट में, वो कौन सा पोस्चर आता है, डी सेरिब्रेट। इस स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा बेटा जी, दिस इज डी सेरिब्रेट, डी सेरिब्रेट पोस्चर आता है। और डी सेरिब्रेट पोस्चर के लिए कितनी मार्किंग दी जाती है, 2 मार्किंग दी जाती है। एक पेशेंट आपके वार्ड में है, आप गए, आपने कहा जी बाहर निकालो भैया, कोई रेस्पॉन्स नहीं, आपने दबाया कोई रेस्पॉन्स नहीं, आपने सब कुछ कर लिया और पेशेंट की बॉडी हिल डुल नहीं रही है, पड़ी हुई है, तो आप कितना स्कोरिंग करेंगे, 1। ग्लासगो कोमा स्केल में आई ओपनिंग में, वर्बल रेस्पॉन्स में, मोटर रेस्पॉन्स में कभी भी कौन सी स्कोरिंग नहीं होती, 0 की स्कोरिंग नहीं होती, कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। तो यहां आपका तीसरा कंपोनेंट भी पूरा हो गया। अब देखिए हल्की सी समरी कर दूं मैं आपको फटाफट, 3 कंपोनेंट थे, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग में
अगर आपने पेशेंट के बेड के पास गए, उसने आंखें खोल दी, तो आप कितना मार्किंग कर देंगे? 4। आपने कहा आंखें खोलो और आंखें खोली तो 3। आपने पेन दिया आप सुप्रा ऑर्बिटल में नहीं देंगे, यहां नेल्स पे देंगे, नाखून दबाए और उसने अपनी आंखें खोल दी तो 2, और आप कुछ भी कर लो आंखें नहीं खोल रहा तो 1। आप पेशेंट के पास में गए और आपने बोला आपका नाम क्या है, बिल्कुल सही, किस जगह हो, हॉस्पिटल में, कितनी उम्र है, 25 साल, सब सही बताया तो स्कोर कितना, 5। आपने पेशेंट को पूछा नाम क्या है, बोलेगा मुगैम्बो। आप पूछोगे कहाँ है, वो कहेगा राष्ट्रपति भवन में। आप पूछोगे कि उम्र कितनी है, वो कहेगा कल शाम को ही पैदा हुआ हूं। अजीब से कंफ्यूज आंसर देगा तो स्कोर कितना होगा, 4। आपने उस पेशेंट को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलेगा केला। आपने कहेगा तुम हो कहां, वो कहेगा बेंच। यानी इस बार सेंटेंस में जवाब नहीं दे रहा, वर्ड्स में जवाब दे रहा है, तो आपका स्कोर कितना होगा, 3। आपने पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई दिया और पेशेंट के मुंह से अजीबोगरीब आवाजें बाहर आ रही है, मॉर्निंग साउंड्स आ रही है, ऊआ वाली आवाजें आ रही है, स्कोर 2। पेशेंट को कितना ही छेड़ो, पेशेंट कोई वर्बल रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो मार्किंग कितनी होगी, 1। पेशेंट के पास गए, पेशेंट को कहा जी बाहर निकालो, निकाल दी, 6। पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल एरिया को दबाया और उसने आपके हाथ को पकड़ लिया, 5। पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल एरिया को दबाया और उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया लेकिन ठोड़ी से ऊपर नहीं आया, 4। पेशेंट के सुप्रा ऑर्बिटल एरिया को दबाया और दबाते ही पूरी बोर्डिंग कार वाली स्टाइल में आ गई, 3। बाइक वाली स्टाइल में आ गई, 2। और कोई रेस्पॉन्स शो नहीं कर रही तो 1। कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा, इसमें 4 सेगमेंट है, इसमें 5 सेगमेंट है, इसमें 6 सेगमेंट है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ मोटर रेस्पॉन्स, तो जवाब क्या होगा, 6। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ वर्बल रेस्पॉन्स, तो आपका जवाब क्या होगा, 5। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ आई ओपनिंग, तो आपका जवाब क्या होगा, 4। कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन, एक पेशेंट इंट्यूबेटेड है, एक पेशेंट को ईटी ट्यूब लगाई गई है, द पेशेंट इज ईटी इंट्यूबेटेड, तो उस पेशेंट का जीसीएस कितना होगा मैक्सिमम, उस पेशेंट का मैक्सिमम जीसीएस कितना हो सकता है, जवाब दीजिएगा। डियर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ए पेशेंट इज एंडोट्रेकियली इंट्यूबेटेड, पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रखी है, उस केस में पेशेंट का मैक्सिमम जीसीएस स्कोर क्या होगा। हरी अप, डू शेयर और लाइक द चैनल। क्वेश्चन आया है, हितेश जी ने पूछा है, आप सभी भी जवाब दीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि सर पेशेंट को आपने नाम पूछा और पेशेंट एब्यूजिंग लैंग्वेज बोले, यानी आपसे गाली गलोच करे, गाली गलोच करेगा, अगर वो एक सेंटेंस ही बोल, एक वर्ड बोल रहा है याद रखिएगा, तो अलग स्कोरिंग होगी, और अगर वो गालियों की पूरी लाइन बोल रहा है तो अलग स्कोरिंग होगी। अगर सीधा सीधा नाम पूछा और सीधा नाम दे दिया तो आप उसको स्कोरिंग दे देंगे 5, और अगर आपने उससे नाम पूछा और उसने आपको गालियों की पूरे सेंटेंस बोल दिया तो आपकी स्कोरिंग होगी 4, और वो एक गाली बोल के रुक गया तो उसकी स्कोरिंग होगी 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है कि अगर किसी से नाम पूछो और एक गाली देके टी रुक गया तो याद रखिएगा स्कोरिंग होगी 3, और आपने उससे नाम पूछा और उसने गाली सुनाई टी 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 तो याद रखिएगा आपकी स्कोरिंग कितनी होगी, 4 स्कोरिंग होगी। शाबाश। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस आइएगा कि एक पेशेंट एंडोट्रेकियली इंट्यूबेटेड है और उस पेशेंट का मैक्सिमम जीसीएस कितना होगा। जवाब आने लग गए हैं कि ईटी वाले पेशेंट में वर्बल लेते ही नहीं है, अनमोल जी ने कहा है, सिर्फ ट्यूब का नाम लिख देते हैं, जो भी हो जैसे, मैं कैसे लिखते हैं वो नहीं पूछ रहा हूं बेटा जी, हाल फिलहाल अनमोल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ईटी ट्यूब वाले पेशेंट, एक ईटी ट्यूब लगी हुई है पेशेंट को और उसका मैक्सिमम जीसीएस कितना होगा, टोटल बताओ मुझे, तो 15, 14, 13, 12 लिखते कैसे हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। डियर जवाब आया 9, 12, 3, 12, फटाफट चलिए, इस बार गाड़ी फंसी, 10, 12, 10 कितना होगा, 12, 10 सफिक्स दे, सफिक्स वाली चीजें बाद में शेयर करेंगे, 1, 15, 12, 13 चलिए सुनिए, वेरी गुड, इधर देखिएगा बेटा जी, फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफी लोग गलत जवाब दे रहे हैं इसलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। ईटी ट्यूब लगी है पेशेंट को, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है, और एंडोट्रेकियल वाला ट्यूब वाला पेशेंट कभी भी आपको वर्बल रेस्पॉन्स नहीं दे सकता,
कभी भी आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं दे सकता। यानी अगर ईटी ट्यूब वाले पेशेंट के पास आप जाओ तो याद रखिएगा वो अपनी आंखें खोल सकता है। अगर ईटी ट्यूब वाले पेशेंट को कहोगे हाथ ऊपर कर तो वो अपनी हाथ ऊपर कर सकता है, मोटर रेस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन ईटी ट्यूब वाले पेशेंट को आप कहोगे तेरा नाम क्या है तो वो क्या नहीं देगा, वर्बल रेस्पॉन्स नहीं देगा। ईटी ट्यूब वाले पेशेंट में वर्बल स्कोर चेक नहीं किए जा सकते। केवल कौन से स्कोर चेक किए जा सकते हैं, आई ओपनिंग स्कोर चेक किया जा सकता है और मोटर स्कोर चेक किया जा सकता है। अगर ईटी ट्यूब वाला पेशेंट है आई ओपनिंग चेक कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 4। और ईटी ट्यूब वाला पेशेंट है मोटर रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 6। यानी 4 तो ये और 4 तो वो, ये और 6 वो, तो कितना आ गया टोटल 10। हमेशा याद रखिएगा ईटी ट्यूब वाले पेशेंट में 11 भी गलत है, वो पुराना कंसेप्ट है, वो भी शेयर करूंगा कि आप उसमें V1 करके एक ऐड कर देते थे, वो पुराना कंसेप्ट हो गया डियर, याद रखिएगा। नया कंसेप्ट आपको कोई नहीं जोड़ना है। अगर बाय चांस कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है तो उस चीज को ऐड ही मत करो, बाकी चीजों को ऐड कर दो। तो यहां मैक्सिमम 6 आ सकता है, यहां मैक्सिमम 4 आ सकता है, तो याद रखिएगा अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, 10। ईटी ट्यूब वाले पेशेंट का मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, 10 होगा, हमेशा याद रखिएगा, द स्कोर विल बी 10। वेरी गुड, बहुतों ने सही जवाब दे दिया। चलिए यहीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पूछ लूं। एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है और उसको आई पैचेस लगा दिए गए हैं। डॉक्टर ने क्या किया है, आई पैचेस लगा दिए गए हैं, आंखों पे ड्रेसिंग लगा दी गई है, आंखों पे पट्टी लगा दी गई है। अब वो अपनी आंखें वाखें नहीं खोल सकता क्योंकि आंखों पे ड्रेसिंग लगी है, पैचेस लगे। इस पेशेंट का मुझे मैक्सिमम जीसीएस बताओ। इस बार बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। आई पैचेस वाले, आई स्वेलिंग वाले, आईज उसकी डैमेज हो गई है, फूट गई है, ऐसे पेशेंट का अगर आप जीसीएस ले रहे हैं तो मैक्सिमम जीसीएस कितना आ सकता है आई पैचेज वाले का, फटाफट जवाब दें। अरे एफ आई एम वेटिंग, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11 जवाब आया, 11। सिमी, हितेश, निशा, नयन, अमित, दिनेश, कंचन, अनुज, रजिस्टर्ड नर्स, वेरी गुड, हितेश, नवजोत जी, प्रवीण, पूजा, रजिस्टर्ड नर्स, ऑफिशियल जयपाल तिरदिया, क्या बात है, 11। बाकी सब भी आओ भैया, अरुण जी, देवेंद्र जी, सारे, संजय जी, डीके भट्ट, क्या बात है, सभी का जवाब आ रहा है 11। अनमोल जी का जवाब आया है 15। कैसे भैया, इधर देखिए, आई पैचेस लगे हैं, इट मीन्स आप कौन से सेगमेंट को चेक नहीं कर पाएंगे, आई ओपनिंग को चेक ही नहीं कर पाएंगे। अब यानी जीसीएस में ये सारा स्कोर ही गायब हो गया, खत्म, इस कंपोनेंट को ही चेक नहीं कर पाएंगे। तो केवल कौन से कंपोनेंट को चेक कर पाएंगे आप, वर्बल रेस्पॉन्स को चेक कर पाएंगे और मोटर रेस्पॉन्स को। वर्बल में अगर सब टकाटक हुआ तो कितना स्कोर मिलेगा, 5, और अगर मोटर में भी सब टकाटक हुआ तो कितना मिलेगा, 6। इट मीन्स टोटल कितना मिल जाएगा आपको, 11 मिल जाएगा, याद रखिएगा, 15 नहीं 11। वेरी गुड, क्या बात है, बाढ़ आ गई है 11 की, गुरुजी 11 ही होगा, बिल्कुल बेटा जी, हाथ जोड़ के 11 ही होगा, सही है, क्लियर है। चलिए डियर, क्वेश्चन हो गया, तीसरा एक क्वेश्चन और शो कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन एक और शो कीजिएगा। एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है, ए पेशेंट हैज अंडर गॉन हेड इंजरी, और आप हेड इंजरी का पता लगाने के लिए क्या ले रहे हैं, GCS ले रहे हैं, हेड इंजरी का पता लगाने के लिए GCS ले रहे हैं, क्लियर है। और इस पेशेंट में गौर से सुनिएगा, इस पेशेंट में हेड इंजरी की वजह से या किसी वजह से पैरालिसिस हो गया है, ऐसे केस में मेरे को बताइएगा, ऐसे केस में इस पेशेंट का मोटर रेस्पॉन्स लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इट शुड बी टेस्टेड और नॉट टेस्टेड। ए पेशेंट हैज अंडरगॉन ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी, एंड ही हैज गॉट पैरालिसिस, ऐसे केस में इस पेशेंट का मोटर रेस्पॉन्स लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, मोटर रेस्पॉन्स लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, फटाफट जवाब दें, मोटर रेस्पॉन्स लेना है या नहीं लेना है अगर पैरालिसिस हो गया है तो। कंचन जी, प्यूपिल डोंट रिएक्ट, तो याद रखिएगा जीसीएसपी लेंगे, बिल्कुल जीसीएसपी पढ़ाऊंगा अभी, मैंने आई ओपनिंग देखा है, प्यूपिल अलग चीज है, आई ओपनिंग अलग चीज है। आई ओपनिंग यानी आई लीड का खुलना,
आई लीड में आई बॉल के अंदर प्यूपिल होती है, याद रखिएगा, मैं प्यूपिल ओपनिंग चेक नहीं कर रहा हूं, लाइट चेक नहीं कर रहा हूं, मैं आई ओपनिंग को चेक कर रहा हूं, केवल वो क्वेश्चन पूछा था। चलिए, यस, टेस्टेड टेस्टेड टेस्टेड, बिल्कुल बिल्कुल, शुड बी टेकन, सारे यही कह रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा पैरालिसिस हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आखिरकार आपको टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी, किन किन कंडीशन में, किन किन कंडीशन में जीसीएस को लिखने में डिफिकल्टी होती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक पेशेंट है, अगर उसमें जीसीएस स्कोर लिखा जा रहा है, सपोज उसमें लिखा गया है जीसीएस इज इक्वल्स टू ईवीएम, यू लिखा जाता है बेसिकली, सपोज किसी पेशेंट का जीसीएस टोटल स्कोर आ रहा है 9, आई का आ रहा है 3, यहां आ रहा है 2 और यहां आ रहा है 4। सपोज इस तरह किसी का जीसीएस लिखा गया है, जीसीएस टोटल स्कोर 9, एक एक कंपोनेंट का भी लिख दिया, आई ओपनिंग का 2, वर्बल का 3, 2 और 4। अगली बार अगर किसी पेशेंट का जीसीएस लिखना है आपको, ऐसे पेशेंट का जीसीएस लिखना है जिसका स्कोर 9 आ रहा है, और तब आ रहा है जब उस पेशेंट की आईज में पैचिंग लगी हुई, आई पैचेज लगे हुए हैं, आंखों में स्वेलिंग है, याद रखिएगा उसको पैरालिसिस हो गया है या वो सीडेशन है, सीडेशन हो रखा है या स्वेलिंग है, ऐसे केस में अगर उसका जीसीएस स्कोर आपको लिखना है, याद रखिएगा, तो अगर एग्जामिनर पूछे विच कंपोनेंट इज एनटी, कौन सा कंपोनेंट नॉन टेस्टेड होगा, तो आई नॉन टेस्टेड होगा, आप यहां लिख देंगे नॉन टेस्टेड। सपोज इस पेशेंट का मान लीजिए ये 4 और 5 था, इसलिए 9 था, लेकिन आई वाले में क्या लिखेंगे, नॉन टेस्टेड एनटी आ जाएगा। क्लियर है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, एनटी का मतलब नॉन टेस्टेबल। कब कब नॉन टेस्टेबल है, आई जब आंखों में स्वेलिंग आ गई है, पैचेज लगे हैं, जब पैरालिसिस है या सीडेशन है। सेकंड चीज याद रखेगा, सेकंड चीज वर्बल रेस्पॉन्स कब कब नॉन टेस्टेबल हो जाएगा, वर्बल रेस्पॉन्स कब कब को नॉन टेस्टेबल हो जाएगा, जब पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी होगी, जब पेशेंट की बॉडी में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी होगी, जब पेशेंट बहरा होगा, डीप होगा, आप कुछ बोलोगे तो भी नहीं सुन पाएगा, जब आपके पेशेंट के बीच में लैंग्वेज बैरियर होंगे, पेशेंट मारवाड़ी बोलता है, हिंदी बोलता है और आप उसे फ्रेंच में ऑर्डर दे रहे हैं, तो याद रखिएगा जीसीएस का ढंग से स्कोर नहीं आएगा, नॉन टेस्टेबल हो जाएगा वर्बल। जब पेशेंट सीडेट है, जब पेशेंट पैरालाइज्ड है, वोकल कॉर्ड्स पैरालाइज्ड हो गए हैं, ऐसे केस में, या फिर सबसे प्यारी चीज, जब उम्र छोटा बच्चा है और उसकी उम्र कितने हैं, 36 मंथ, यानी 3 साल से छोटे बच्चे में, याद रखिएगा, वर्बल रेस्पॉन्स यूजुअली टेस्ट नहीं किया जा सकता, यह नॉन टेस्टेबल होता है। मोटर रेस्पॉन्स कब नॉन टेस्टेबल हो जाएगा, जब पेशेंट को सीडेशन हो रखा है या क्या हो रखा है, पैरालिसिस हो रखा है। आपसे तो इतना ही पूछ सकता है कि किस किस कंडीशन में कौन कौन सा कंपोनेंट नॉन टेस्टेबल है, आई रेस्पॉन्स इनमें से किस कंडीशन में नॉन टेस्टेबल है, वर्बल रेस्पॉन्स किस कंडीशन में नॉन टेस्टेबल है, और मोटर रेस्पॉन्स किस कंडीशन में नॉन टेस्टेबल है, यह क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा। क्लियर, देखिएगा डियर, लास्ट में जीसीएस स्कोर के क्या मायने हैं, किस तरह इसको लिखा जाता है, क्या इंटरप्रिटेशन है, वो भी देखते हैं। आई ओपनिंग की बात की जाए, आई ओपनिंग में होते हैं 4 3 2 1, वर्बल रेस्पॉन्स में होते हैं 5 4 3 2 1, और मोटर में कितने होते हैं 6 5 4 3 2 1। अगर सबसे मिनिमम भी बात की जाए, आई में 1, वर्बल में 1 और मोटर में 1, यानी ओवरऑल मिनिमम कितना हो गया 3। व्हाट इज द मिनिमम जीसीएस स्कोर, मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना होता है, 3 होता है, याद रखेगा। अगर किसी पेशेंट का जीसीएस स्कोर 3 आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट डेड है, याद रखेगा। अगर किसी का जीसीएस स्कोर 3 आ रहा है, तो याद रखेगा ये क्या शो करता है कि पेशेंट डेड है, हमेशा याद रखेगा। सेकेंड चीज, अगर किसी पेशेंट का मैक्सिमम जीसीएस पूछे, यानी आई ओपनिंग में 4 है, वर्बल में 5 है और यहां 6 है, तो टोटल स्कोर कितना होगा 15, और इस स्टेटस को क्या कहा जाएगा, फुल अलर्ट। आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछे जाएगा, आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा कि फुल अलर्ट पेशेंट का जीसीएस, तो आपका जवाब होगा 15, डेड पेशेंट का जीसीएस, तो जवाब होगा 3। 3 से नीचे नहीं होगा कि डेड का तो साहब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, नहीं, मिनिमम जीसीएस 3 हो सकता है, चाहे मुर्दा हो कोई भी हो, याद रखिएगा, डेड पेशेंट का 3 होगा, उससे कम नहीं होगा, और फुल अलर्ट पेशेंट का 15 होगा। किस प्रकार, अगर हेड इंजरी की बात कर रहे हैं, कि एक हेड इंजरी का पेशेंट आया है आपके हॉस्पिटल में और आपने उसका जीसीएस लिया, और जीसीएस का आपसे इंटरप्रिटेशन पूछा जाए, रिजल्ट निकाला जाए कि साहब किसी का जीसीएस 12 है, मतलब बताओ उस पेशेंट की कैसी कंडीशन है, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए, अगर किसी पेशेंट का जीसीएस 13 से 15 के बीच में आता है, इट मींस 13 14 15, अगर इन तीनों में से कुछ आता है, इसका मतलब पेशेंट को, क्योंकि हेड इंजरी का पेशेंट आया है, मैं देखिए नॉर्मली जीसीएस नहीं ले रहा है,
हेड इंजरी के पेशेंट में ले रहे हैं, इट मीन्स इंजरी तो है लेकिन वो इंजरी कैसी होगी, बिल्कुल माइल्ड होगी, हल्की सी इंजरी होगी। अगर किसी का GCS स्कोर 9 to 12 है, 9, 10, 11 and 12, 9 से 12 है इन चार डिजिट में, तो इंजरी जो होगी वो मॉडरेट होगी। और किसी का GCS स्कोर 8 से कम है, अगर किसी का GCS स्कोर 8 से कम है, यानी 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है और 3 है, 3 हो सकता है मिनिमम, अगर इस रेंज में है, इसका मतलब इन कंडीशन कैसी है, सीवियर है। आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसका GCS स्कोर याद रखिएगा 3 से 8 के बीच में आ रहा है, यानी पेशेंट कैसा है, कोमा में। अगर 3 आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट कैसा हो गया है, डेड हो गया है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसको इंट्यूबेट कीजिए, इंट्यूबेट में हेल्प कीजिए, GCS में वो कौन सी मार्किंग है, कौन सी स्कोरिंग है, जवाब दीजिएगा भैया जी सारे मुझे, कि GCS में वो कौन सी स्कोरिंग है जहां से डिसाइड होता है कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, किस स्कोर से नीचे इंट्यूबेशन किया जाता है, द स्कोर बिलो विच इंट्यूबेशन इज नीडेड, द स्कोर बिलो विच इंट्यूबेशन इज नीडेड, जवाब दें। आई एम वेटिंग, बिल्कुल रजिस्टर्ड नर्स कह रही है 3 आया तो समझो ठाकुर तो गियो। हरी अप, इंट्यूबेशन किस स्कोर से नीचे करना है, इंट्यूबेशन, वेरी गुड, 8, 8, 5, 4, 8, 8, 5, 4 रॉन्ग आंसर है डियर, 8, 8, 5, 8, 5 नहीं, द राइट आंसर इज 8। याद रखिएगा अगर GCS स्कोर 8 से कम है, अगर GCS का स्कोर 8 से कम है तो उसमें आपको इंट्यूबेशन करना है। ESIC आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इफ द स्कोर इज बिलो 8, इफ द GCS स्कोर इज बिलो 8, इट नीडेड फॉर इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन करना ही करना है, याद रखिएगा। क्लियर है बेटा जी? चलिए अब देखिएगा GCS को किस ढंग से लिखा जाता है, उसके भी कुछ तरीके हैं जो अभी बीच में बच्चे डिस्कस कर रहे थे, उस पर भी फोकस कर लेते हैं, जिस प्रकार जिससे कैसे लिखना है। देखिए नॉर्मली GCS को आज की तारीख में इस पैटर्न में लिखा जाता है, टाइम के साथ सफिक्स किया जाता है, इट इज सफिक्स विद टाइम, कि आपने किस टाइम में उस पेशेंट का असेसमेंट किया। GCS मान लीजिए एक पेशेंट है, सपोज कीजिए एक पेशेंट है जिसका GCS टोटल स्कोर कितना आ रहा है, 9, और कितनी बजे लिया गया, 6 बजे, तो एक एग्जांपल आ गया उसका GCS 9 at 6 PM, कि साहब 6 बजे लिया जाएगा। कई सारे हॉस्पिटल्स में इसको हर कंपोनेंट को अलग अलग दिखाने का तरीका है, कई सारे न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन चाहते हैं कि GCS को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के बताया जाए, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के बताया जाए, तो चलिए अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया हमने, कुछ नहीं किया, इस बार वो पहले भी GCS 9 था, इस बार भी GCS कितना है, 9 है, लेकिन जो कंपोनेंट होते हैं EV और M उनको तोड़ के रख दिया। सपोज इसके अंदर आईओ ओपनिंग में 2 मिला, वर्बल में 4 मिला, मोटर में 3 मिला, और कितने बजे चेक किया गया, 6 PM पे, 6 PM पे चेक किया गया। तो दोनों ही पैटर्न प्रचलन में है, दोनों ही तरीकों से लिखा जा सकता है। याद रखिएगा कि GCS 9 तो सम्मिलित रूप से भी लिख सकते हैं, और GCS 9 तो इसका फर्केशन करके भी, इसको टुकड़ों में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? अब सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से निकल के आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से निकल के आते हैं। आजकल लेटेस्ट जो एम्स वगैरह में फॉलो हो रहा है वो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिएगा इस टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं, GCS कितना, 9 I 2, वर्बल 4, मोटर 3, इस पैटर्न में लिखा जाने लग गया है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी भी डिस्कस कर रहे थे वो डिफिकल्ट कंडीशंस वाले, कि इन डिफिकल्ट कंडीशन में किस ढंग से लिखा जाएगा। अगर पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया गया है, देखिए आपके सामने ये स्कोर लिखा हुआ है, सपोज कीजिएगा एक पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया गया है, इसका मतलब पेशेंट, याद रखिएगा पेशेंट कौन सा रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा, वर्बल रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा। ये गलत है, ये गलत डाटा, इसको सही करेक्ट कर लीजिएगा। अगर एक पेशेंट को एंडोट्रेकियली इंट्यूबेटेड किया गया है तो याद रखिएगा पेशेंट वर्बल रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा, यानी वर्बल सेगमेंट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, केवल क्या मेंशन्ड होगा, टी फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ये एग्जामिनर पूछ चुका है, अगर टी सफिक्स आता है तो ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को बताता है। मान लीजिए इसका मोटर था 3, इसका आई था 2, और वर्बल चेक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन दिया गया है, तो 3 + 2 इसका टोटल कितना स्कोर आएगा,
फाइव और उस टोटल के बाद में भी क्या सफिक्स कर दिया आपने, टी लगा दिया। अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेटेड है तो सफिक्स के तौर पे उस स्कोरिंग के तौर पे स्कोरिंग के लास्ट में क्या वर्ड ऐड करते हैं, स्मॉल टी ऐड करना है, टी इज सफिक्स्ड। याद रखिएगा, वर्बल चेक ही नहीं होगा, मोटर तीन, ये दो तो दोनों पांच आ गए हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि एक पेशेंट को आईज में स्वेलिंग है, आईज में पैचेज लगे हैं, याद रखिएगा आईज में स्वेलिंग है, इसका मतलब आंखें कैसी है उसकी, क्लोज्ड है, उस केस में कितना होगा, ऐसे केस में उस पेशेंट का क्या चेक नहीं होगा, ऐसे केस में उस पेशेंट का आई रेस्पॉन्स चेक नहीं होगा। सपोज कीजिएगा कि सपोज कीजिए उस पेशेंट का मोटर कितना है, तीन, उस पेशेंट का मोटर तीन है और सपोज कीजिएगा उसका वर्बल कितना है, चार। मोटर है उसका तीन, वर्बल है उसका चार, तो याद रखिएगा उसका ग्रांड टोटल कितना आ जाएगा, सेवन। द ग्रांड टोटल विल बी सेवन, सात होगा, लेकिन क्योंकि यहां आईज क्लोज्ड है इसलिए क्या लगा दिया जाएगा, सी। किस सफिक्स से डिनोट किया जाएगा, सी से, आई ओपनिंग वाले कंपोनेंट में सी आ जाएगा, एंडोट्रेकियल में वर्बल में टी आ जाएगा, यहां टोटल के बाद टी आ जाएगा, यहां टोटल के बाद सी आ जाएगा। अगर पेशेंट डिसफेसिक है, डिसफेसिक, ये डिसफेजिया नहीं है, डिसफेशिया है, डिसफेशिया यानी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, अगर वो आवाज ही पैदा नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, याद रखिएगा आवाज ही पैदा नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में उसके वर्बल सेगमेंट में क्या डाला जाएगा, डी। इस टेबल को करेक्ट कर लीजिएगा, इस केस में उसके वर्बल सेगमेंट में क्या डाला जाएगा, डी। थ्री प्लस टू सपोज कीजिएगा ये फाइव आया उसका स्कोर, तो फाइव के लास्ट में क्या मेंशन किया जाएगा, डी। अभी टेबल बिल्कुल सही है, अगर इंट्यूबेटेड है तो वर्बल में टी और लास्ट में यहां टी, अगर आई स्वेलिंग है, आई पैचेज है तो आई वाले कंपोनेंट में सी और लास्ट में सी, और अगर डिसफेसिक है, ये लेटेस्ट है, अगर पेशेंट डिसफेसिक है, बोल नहीं पा रहा है, इस केस में उसके वर्बल वाले जो सेगमेंट में होगा डी लिखा जाएगा और टोटल के लास्ट में भी क्या लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा। ये लेटेस्ट पैटर्न है बेटा जी लिखने का, क्लियर है ये लिखने का। चलिए, सारे कमेंट बेटा जी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सारे कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा, चलिएगा इधर देखिएगा, आगे की बात करते हैं हम, सुनिएगा नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। लास्ट जो एक बच्चे ने, एक गुड़िया ने शेयर किया कि सर जीसीएसपी प्यूपिल चेक कर लेंगे, उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जीसीएसपी क्या है, देखिए क्लास की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कौन से भाई साहब अभी भी जिंदा है, आपका जवाब था टिसडेल। टिसडेल सर जिन्होंने सबसे पहले जीसीएस को खोजा था वो अभी भी जिंदा है, हमेशा याद रखिएगा, क्लियर है। तो देखिएगा टिसडेल इसके साथ मिलके ब्रेनन ने और मरी ने 2016 में एक नया स्कोर डेवलप किया जिसका नाम था जीसीएसपी स्कोर, यानी कंपोनेंट तो वो के वही है जीसीएस वाले, एक कंपोनेंट नया ऐड कर दिया गया है। तो एग्जाम का पहला ही क्वेश्चन कि जीसीएसपी में कौन कौन से स्कोर्स को शामिल किया गया है, जीसीएसपी में कौन कौन से स्कोर को सम्मिलित किया गया है, फटाफट बताइएगा जीसीएसपी में किसको किया गया है। देखिएगा आई फॉर आई रेस्पॉन्स, ई फॉर वी फॉर वर्बल, एम फॉर मोटर एंड पी फॉर प्यूपिल रिएक्टिविटी टू लाइट, कि प्यूपिल कितनी रिएक्टिव है लाइट के लिए, लाइट के लिए प्यूपिल कितनी, यानी इस बार पेशेंट की आंखों पे टॉर्च से लाइट डाली जाएगी और प्यूपिल की रिएक्शन चेक की जाएगी कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। जब आंखों पे लाइट डाली जाती है तो प्यूपिल की सर्कुलर मसल, याद रखिएगा प्यूपिल की जो सर्कुलर मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है और प्यूपिल को बंद कर देती है, क्लोज कर देती है। तो लाइट डालने से प्यूपिल में कोई छेड़खानी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कंपोनेंट भी इस सेगमेंट में चेक कर लिया जाएगा। कौन से सेगमेंट में, पी सेगमेंट में चेक कर लिया जाएगा, जीसीएसपी। याद रखिएगा एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें तीन कंपोनेंट नहीं है बल्कि कितने कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट है। आई में वही चार पॉइंट है, यहां पांच पॉइंट है, यहां छह पॉइंट है, पॉइंट में कहीं हेरा फेरी नहीं है, जो वहां पॉइंट थे सेम टू सेम पॉइंट है, बस एक अलग पॉइंट जो ऐड कर दिया गया है वो पी फॉर प्यूपिल पॉइंट ऐड कर दिया गया है, और थोड़ा सा रिवर्स है ये, याद रखिए इसकी इसकी और स्कोरिंग उल्टी है। इधर देखिए एक टेबल फॉर्मेट में बिठाया, यहां जैसे वहां था कि आपका आई रेस्पॉन्स, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, और यहां जो चौथा रेस्पॉन्स है उसको कहा जाता है पी आर एस कहा जाता है, चौथे रेस्पॉन्स को प्यूपिल रिएक्टिव स्कोर PRS कहा जाता है। अगर आप पेशेंट की आंखों पे लाइट डालें, प्यूपिल में लाइट डालें और उसकी दोनों ही प्यूपिल काम कर रही है, रेस्पॉन्स शो कर रही है, याद रखिएगा
दोनों ही रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव नहीं है। इसमें रिएक्टिवनेस चेक नहीं करते। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा कि जीएससीएसपी में प्यूपिल रिएक्शन रिएक्टिव को इंक्लूड करते हैं या अनरिएक्टिव को। इसमें अनरिएक्टिव को इंक्लूड किया जाता है। अगर आपने आंखों पर लाइट डाली, दोनों ही प्यूपिल आई को रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अनरिएक्टिव है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो स्कोर कितना होगा? 2। अगर एक प्यूपिल रिएक्ट कर रही है, एक नहीं कर रही है, तो स्कोर कितना होगा? 1। और दोनों ही प्यूपिल याद रखेगा रेस्पॉन्ड कर रही है, अनरिएक्टिव नहीं है। दोनों ही प्यूपिल अनरिएक्टिव नहीं है, एक प्यूपिल अनरिएक्टिव है, दोनों ही प्यूपिल अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव नहीं है यानी काम कर रही है तो स्कोर 0, सब टकाटक है। और काम नहीं कर रही है दोनों, तो स्कोर कितना होगा? 2 होगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, जीसीएसपी का फॉर्मूला होता है कि जो नॉर्मल जीसीएस स्कोर था उसमें से पीआरएस स्कोर माइनस कर दो। नॉर्मल जीसीएस जो पहले आया, जो जीसीएस लिया, मान लीजिए एक पेशेंट था जिसका जीसीएस आ रखा था 12 जीसीएस था, सपोज कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट मेरे को। एक पेशेंट है जिसका जीसीएस था 12, एक पेशेंट का जीसीएस था 12 एंड 1 आई अनरिएक्टिव, 1 आई अनरिएक्टिव है, तो उसका जीसीएसपी स्कोर बताएं, तो उसका जीसीएसपी स्कोर बताएं। हरी अब फटाफट, जीसीएस स्कोर 12 है और एक लाइट अनरिएक्टिव है, 1 आई अनरिएक्टिव है, तो उसका जीसीएसपी स्कोर बताएं। हरी अब बेटा जी, फटाफट, वेटिंग। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही है। 11। क्या बात है। बिल्कुल बीरबल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल दिनेश जी। देखिए बेटा जी, सुनिएगा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि कैसे टेस्ट करते हैं, जीसीएसपी में से कैलकुलेट करने के लिए जीसीएस में से पीआरएस माइनस कर दो। जीसीएस 12 था और पीआरएस में एक लाइट अनरिएक्टिव है, 1 प्यूपिल अनरिएक्टिव है, यानी 1, तो 12 - 1 आपका जवाब कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्लियर है? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां मेंशन कर दिए गए हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम जीसीएसपी स्कोर। मैक्सिमम जीसीएस कितना होता है? मैक्सिमम जीसीएस होता है 15, सुनिएगा। और मिनिमम जीसीएस कितना होता है? मिनिमम जीसीएस होता है 3, मिनिमम जीसीएस होता है 3, मैक्सिमम होता है 15। ये जीसीएस की बात कर रहा हूं, 3 to 15। अब हम जीसीएस की बात नहीं कर रहे, जीसीएस माइनस पी की बात कर रहे हैं, सुनिए। तो यहां 15 था, अगर दोनों ही आंखें काम कर रही हैं, दोनों ही आंखें काम कर रही है, इसका मतलब स्कोर कितना है? 0। तो 15 में से आपने 0 को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आ गया? 15 ही आ गया। और अगर दोनों ही आंखें, याद रखिएगा, अनरिएक्टिव है, काम नहीं कर रही है, तो आप कितने माइनस करोगे? 2 माइनस करोगे, तो माइनस कम से कम स्कोर कितना आ सकता है? 1। और मैक्सिमम स्कोर कितना आ सकता है? 15 आ सकता है। आपको सिंपल कंसेप्ट में याद करना है कि जीसीएस की जो रेंज थी वो थी 3 to 15, 3 मिनिमम और 15 मैक्सिमम, जबकि यहां जीसीएसपी की जो रेंज है वो है 1 to 15। बस ये डिफरेंस याद करना है, दैट इज 1 to 15, मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 15 होगा। क्लियर है? सिमरन पूछ रही है, गुरुजी ये कैसे डिसाइड करेंगे कि E2 V4 M3 होगा? बेटा जी, वो एक एग्जांपल था, यहां फोकस कीजिएगा। जीसीएस और जीसीएसपी में यही अंतर है, जीसीएस का स्कोर होता है 3 to 15 जबकि जीसीएसपी की रेंज होता है 1 to 15। इसका मतलब मिनिमम कितना होगा? यहां 1, वहां 3, यहां मैक्सिमम कितना होगा? 15, और वहां पे भी मैक्सिमम कितना होगा बोलिएगा बेटा जी? 15। वेरी गुड, आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन सेशन पे आ जाते हैं, कुछ काम के क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं, काम के क्वेश्चन शेयर कर लीजिए, फटाफट लाइक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन सेगमेंट को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सेगमेंट को। अब आप पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट, आपने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फोकस कर रहे हैं बेटा जी क्वेश्चन सेशन पे। अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो गए, इसका मतलब आज का टॉपिक, आज की हमारी मेहनत बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन और सेट में कंप्लीट है आपके। चलिए फटाफट थंबनेल दीजिए, अगर आप एमसीक्यू सेशन के लिए रेडी है तो फटाफट थंबनेल दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप के लिए वेट कर रहा हूं। हरी अप। क्वेश्चन का जवाब ना दे भैया, क्वेश्चन का जवाब बाद में देंगे, पहले थम्स अप दीजिएगा। आई एम वेटिंग। दासू दासू
दासू तरीके से रेस्पॉन्स आ रहे हैं आपके। वेरी गुड, थम्स अप, थम्स अप, शाबाश। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है डियर, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसकी जीसीएस की जा रही है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ जीसीएस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी अलावा। कि जीसीएस में तीन कंपोनेंट होते हैं आप जानते हैं, ईवीएम, ईवीएम के अलावा कौन नहीं होता, आई होता है, वर्बल होता है, मोटर होता है, कौन सा नहीं होता, पेन नहीं होता। द राइट आंसर इज सी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज सी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी मुझे। जीसीएस की डिस्कवरी किस ईयर में की गई, बहुत इजी क्वेश्चन है। जीसीएस की डिस्कवरी, वेरी गुड, 1974, द राइट आंसर इज ए। जीसीएस की डिस्कवरी कौन से ईयर में की गई, 1974 में। मॉडिफिकेशन किस में किया गया, 1978 में। मॉडिफिकेशन कब किया गया, 2014 में। और मॉडिफिकेशन कब किया गया, 2018 में। तीन मॉडिफिकेशन किए गए हैं डियर, वेरी गुड। ग्राम स्टीसडेल ने और जेनेट ब्राइन ने, याद रखिएगा, ब्राइन जेनेट ने इसकी डिस्कवरी की, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का। मिनिमम स्कोर ऑफ जीसीएस, जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होगा, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। 15 से 20 क्वेश्चन की सीरीज है, सपोर्ट करें प्लीज, फटाफट जवाब दीजिएगा। मिनिमम जीसीएस स्कोर सभी का राइट आना चाहिए, जिसका गलत आ गया उसको गोली मार दी जाएगी, याद रखिएगा, वैसे ही मैं बदनाम हूं गोली मारने के लिए। चलिएगा, मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना होगा डियर, बोलिएगा जी। हाँ, लास्ट 2016 में हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिनिमम जीसीएस स्कोर 3, 3, 3, 3, वेरी गुड। द राइट आंसर इज ए, द मिनिमम जीसीएस स्कोर तीन होता है, आई वाले में से मिनिमम 1, वर्बल का मिनिमम 1 और मोटर का मिनिमम 1, तो ओवरऑल मिनिमम कितना हो गया, 3 हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी, मैक्सिमम जीसीएस स्कोर कितना है, शाबाश, सभी को पता है, द मैक्सिमम जीसीएस स्कोर इज 15, आई में 4, वर्बल में 5 और मोटर में 6, 4, 5, 6, तो मैक्सिमम स्कोर विल बी 15, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मैक्सिमम स्कोर ऑफ मोटर रेस्पॉन्स, व्हाट इज द मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ मोटर रेस्पॉन्स। हरी अब जवाब दीजिएगा, वो जीसीएस का स्कोर नहीं पूछ रहा है, केवल मोटर रेस्पॉन्स का पूछ रहा है। मोटर रेस्पॉन्स याद कीजिएगा, ईवीएम 4, 5 एंड 6, इट मीन्स मोटर रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर कितना है, 6 है, इसे M6 से डिनोट किया गया है। मोटर सेगमेंट का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, M6 होता है। द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर इज डी। मेरे गुरुजी गला ड्राई हो गया है, सॉरी सर, आप हमारे लिए इतना किए। अरे नहीं भैया, छोटे भाई हैं, अगर कुदरत ने मुझे कुछ बख्शा है, सुनिए, मेरी एक थ्योरी है, और मेरी ही नहीं पूरी गुरु नर्सिंग अकेडमी की एक थ्योरी है, कि अगर कुदरत ने आपको कुछ नवाजा है तो आपको उसको शेयर करना चाहिए, उसको साझा करना चाहिए, ऐसे वो चीज़ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही है। अगर आज मैं आपके साथ जीसीएस स्कोर लेके शामिल हुआ हूँ तो आपको तो खूब सारी चीज़ें सीखने को मिली मिली है, मुझे भी 2-4 नए चीज़ें सीखने को मिल गई है इसी दौरान में, इसलिए शेयर करने से कभी भी कतराता नहीं है और ना ही कतराएंगे। गुरु नरसिंह अकेडमी पास्ट 6 साल से, ठीक है, एक खुशी की चीज़ और ये है कि ये मंथ हमारे लिए एनिवर्सरी ईयर है, याद रखिएगा, पिछले 6 साल हो गए हैं, इसी मंथ में एस्टैब्लिश हुआ था और 6 साल हो गए हैं गुरु नरसिंह को एस्टैब्लिश हुए, दो स्टूडेंट से गुरु नरसिंह अकेडमी स्टार्ट हुई थी और आज 150-150 के बैच बन रहे हैं यहाँ गुरु नरसिंह अकेडमी में। साल में 7 से 8 बैच बढ़ते हैं, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 150 रहती है, वो सब स्टूडेंट की देन है, आप लोगों की मेहनत है, हमारे लिए आप लोगों का प्यार है, क्लियर है बेटा जी। चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट, मोटर सेगमेंट में 6 आ गया। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एक पेशेंट को डी कोर्टिकेट, ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, फटाफट बोलिएगा। एक पेशेंट को डी कोर्टिकेट पोजिशन दी गई है, डी कोर्टिकेट पोजिशन यानी कौन सी पोजिशन दी गई है, कोर यानी कार, उसको कार राइडिंग पोजिशन दी गई है, अब उसका स्कोर दीजिएगा फटाफट। ये कार राइडिंग कंसेप्ट समझाने से पहले स्टूडेंट क्या करते थे, जवाब देने के लिए अपने दिमाग में याद करते थे, पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, अब कार से सीधा सा याद आ गया कि डी कोर्टिकेट कार वाला, तीन पहियों वाला, स्कोर कितना होगा, M3, दैट्स इट, चुटकियों में सॉल्व हो गया, कार वाला स्कोर होगा M3, कार वाला स्कोर विल बी M3, वेरी गुड, बी सही आंसर है।
अगला अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डी सेरिब्रेट पोस्चर है, अगर डी सेरिब्रेट पोस्चर है बाइक वाली राइडिंग है तो याद रखिएगा रेस्पॉन्स कितना होगा, बाइक के दो व्हील है तो आपका जवाब कितना होगा एम टू, द राइट आंसर विल बी एम टू, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चीज, एक पेशेंट अगर इंट्यूबेशन करना है, जैसे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर इंट्यूबेशन करना है तो द स्कोर शुड बी बिलो 8, 8 या 8 से कम स्कोर होगा तो ही पेशेंट को इंट्यूबेशन किया जाएगा, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, शाबाश। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पेशेंट का जीसीएस स्कोर 11 से 13 है, द जीसीएस स्कोर इज 11 to 13, इस रेस्पॉन्स को कैसा कहेंगे आप, गुड, फेयर या पुअर? देखिए अगर 15 के आसपास होगा यानी 14 या 15 होगा तो इस स्टेटस को गुड स्टेटस कहा जाता है, गुड जीसीएस स्कोर कहा जाता है, याद रखेगा। अगर जीसीएस स्कोर 11 to 13 है 11 से 13 के बीच में 11 12 13 दैट स्टेटस विल बी नोन एज फेयर, ये गुड नहीं होगा फेयर होगा, और अगर किसी का 11 से कम है इट विल बी पुअर। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, सिंपल जीसीएस स्कोरिंग है, याद रखिएगा सिंपल जीसीएस का इंटरप्रिटेशन है, इसको भी नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, कई बार क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं यहां से, याद रखिएगा। अगर किसी का जीसीएस स्कोर 14 से 15 है तो गुड है, अगर 11 से 13 है तो फेयर है, और अगर 11 से कम है तो उस जीसीएस स्कोर को पुअर इंडिकेट किया जाएगा। अब आप बता सकते हैं एक पेशेंट का 11 से 13 वाली रेंज में है यानी सेकेंड रेंज में है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फेयर, गुड नहीं होगा, द राइट आंसर विल बी फेयर, उसका स्कोर फेयर होगा, गुड नहीं होगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा डियर, एक पेशेंट है जिसको ईटी ट्यूब लगी है, देखिएगा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे थे वन वाले, मैंने कहा कि ये कंसेप्ट अब रिमूव हो गया है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे पुराने पैटर्न से तो आप किस बेस में जवाब देंगे, सुनिएगा कि एक पेशेंट है जिसको, पहले तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं, एक पेशेंट, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, दीजिएगा फटाफट, मैं तो बाद में दूंगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए हरी अब। हरी अब, व्हाट विल बी द जीसीएस स्कोर, वेट कर रहा हूं, फटाफट शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलेगी, फ्रीक्वेंटली आपको क्लासेस मिलेगी, आपको नॉरसेट के लिए, आपको बीएफयूएचएस के लिए और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाना, उनको एक क्रैश कोर्स के तौर पे आपको प्रिपेयर करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री फोकट की चीज़ होती है, हम इंडिया वाले फ्री फोकट के लिए पीछे भाग जाते हैं, फ्री फोकट की चीज़ है, सब्सक्रिप्शन के कोई पैसा नहीं लगेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, किस वजह, किस तारीख को होगी, कहाँ पर होगी, किस टॉपिक की होगी, ताकि आप पहले से उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, राइट आंसर इज सी, ए सी सी ए ए नहीं। देखिए अगर पुराने पैटर्न पे हम जीसीएस स्कोर करें, पेशेंट क्या कर रहा है, ए पेशेंट इज हैविंग ट्रेकियल इंट्यूबेशन, पेशेंट को ट्रेकियल इंट्यूबेशन है, इसका मतलब वर्बल रेस्पॉन्स शो नहीं होगा, तो आपने क्या मार्क कर दिया, वर्बल के सामने टी मार्क कर दिया, वर्बल के सामने क्या मार्क कर दिया, टी मार्क कर दिया। पॉइंट नंबर टू, आपने वर्बल के सामने टी मार्क कर दिया। द सेकंड इज सीवियर फेशियल और आई स्वेलिंग, उसकी आंखों में भी स्वेलिंग आ रही है, इसका मतलब आंखें खुल नहीं रही है, आप चाहोगे तो भी आईज नहीं खुलेगी, अगर आप चाहोगे तो भी आंख नहीं खुलेगी, याद रखिएगा, क्लियर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े हैं, ठीक है, रियली में आई अप्रिशिएट कि आप वक्त निकाल के तैयारी कर रहे हैं, आप जुझारू हैं, आप लड़ने के लिए आतुर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में आपको इंटरेस्ट आया या नहीं आया, जवाब चाहिए यस और नो, यस और नो, यस और नो। भैया जिसका नोर सेट क्लियर उसको दाल बाटी चूरमा मेरी तरफ से, क्लियर है। आज की क्लास दाल बाटी चूरमा लेवल की क्लास थी या नहीं, अगर धासु थी, धासु दाल बाटी चूरमा, यस और नो, हरी अप, प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू कमेंट, क्लियर। क्वेश्चन को देखिएगा, अगर पेशेंट को फेशियल स्वेलिंग है, आई स्वेलिंग है, अगर पेशेंट की आंखों में स्वेलिंग है तो भी आप चेक नहीं कर पाएंगे, आंखें क्लोज नजर आएगी उसकी, और याद रखिएगा आप मेंशन कर देंगे सी, क्या मेंशन कर देंगे, सी,
याद रखिएगा, आप सी मेंशन कर देंगे। तीसरा, मोटर रेस्पॉन्स एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन यानी कार वाला, एबनॉर्मल फ्लेक्शन यानी कार वाला, कार तीन पहियों वाली, तो स्कोर कितना आ जाएगा? 3। मोटर का स्कोर कितना आ जाएगा? 3। यहां कोई डिफिकल्टी नहीं है, आंखें खोलने में डिफिकल्टी है, वर्बल रेस्पॉन्स में डिफिकल्टी है, मोटर रेस्पॉन्स में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मोटर रेस्पॉन्स में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप इसका जीसीएस स्कोर जब लिखने जाएंगे, एक्चुअल में तो देखिए ये कंसेप्ट पुराना है, अगर लेटेस्ट में मुझसे पूछेगी इसका जवाब क्या होगा, तो मेरा जवाब ये होगा, द स्कोर विल बी 3CT, द स्कोर विल बी 3CT। आई क्लोज, वर्बल, ट्यूब और मोटर का स्कोर कितना है? 3 है, तो ओवरऑल स्कोर कितना आ जाएगा? 3CT आ जाएगा। याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है जिसके बेस पे फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं नीट पीजी 2020। मैं नर्सिंग एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस के लिए, डॉक्टर लोग जो PG करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे ये पुराने आंसर ऑप्शन नहीं थे, वहां पे लेटेस्ट ऑप्शन थे, और उन ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या माना गया था? 3CT माना गया था। क्या माना गया था? 3CT माना गया था। लेकिन अगर हमें पुराने कंसेप्ट के बेस पे जवाब देना पड़े, तो याद रखिएगा हमारा जवाब क्या होगा कि सर, पुराना कंसेप्ट यह कहता है कि अगर किसी चीज में डिफिकल्टी है तो आप उसको केवल 1 स्कोर दे दो, उसको 1 स्कोर दे दो और बाकी को एक्चुअल स्कोर दे दो। यानी आई को जबरदस्ती कितना स्कोर दिला दिया? 1, जबकि आई को चेक ही नहीं हो पा रही थी। वर्बल को कितना स्कोर दे दिया गया? 1, कि कोई रेस्पॉन्स नहीं है, जबकि रेस्पॉन्स आंखें बंद है, क्या पता रेस्पॉन्स शो करता, इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन अगर कोई पुराना क्वेश्चन पूछता है, पुराने बेस पे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं और आप उस चीज को असेस नहीं कर सकते, तो कितना स्कोर दे दीजिएगा? 1 दे दीजिएगा, लास्ट में वो सफिक्स भी लिख दीजिएगा, E1C V1T M3। E1C आई क्लोज के बीच में 1, वर्बल ट्यूब के बीच में 1 और M3, द राइट आंसर इज A। याद रखिएगा इस केस में राइट आंसर कौन सा है? A। वेरी गुड, शाबाश, चलिएगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज हैविंग स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये भी सोल्व कर लें। एक पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, ट्रिक याद करिएगा, ESPN, E4 आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस, S4 साउंड से, P4 पेन से, और N4 नन। याद रखिएगा, यहां वो ट्रिक्स काम में आएगी आपकी ESPN वाली। ESP1, एक पेशेंट आईज को स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है, तो स्कोर कितना दे दिया जाएगा? 4। पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, याद रखिएगा, वर्मल में स्कोरिंग थी 5, 4, 3, 2, 1, ओरिएंटेड थी तो 5 और कंफ्यूज था तो 4। पेशेंट कंफ्यूज है तो स्कोरिंग कितनी आ जाएगी? 4। दूसरी स्कोरिंग भी आ गई 4। एंड विड्रोवल टू हैंड, हाथ को विड्रो कर रहा है। याद रखिएगा, पेशेंट अगर आपका कहा मान रहा है तो 6, अगर पेशेंट अपने हाथ को ग्रेप्स कर रहा है, याद रखिएगा, तो पेशेंट को कितना? 5। और याद रखिएगा, पेशेंट को विड्रो कर रहा है अपने हाथ को, तो स्कोर कितना होगा? 4। तो टोटल स्कोर कितना आ गया? 4, 4, 4। E4, V4, M4। E4, V4, M4। डियर याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक पेशेंट है जो अपनी आंखें ओपन कर रहा है, आईज कब ओपन कर रहा है? जब साउंड आवाज के साथ स्पॉन्टेनियसली खोलता तो 4, आवाज के साथ 3। इनएप्रोप्रिएट वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है? इनएप्रोप्रिएट वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नो रेस्पॉन्स यानी 1, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड यानी 2, और इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब 3, याद रखिएगा। और उसका मोटर मूवमेंट विड्रोइंग टू पेनफुल स्टिमुलाई तो कितना होगा? 4। 4, 3, 7 और 3, 10, याद रखिएगा, 10 कौन सी रेंज में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो राइट आंसर विल बी सी, 10 to 11। याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्लियर है? ओके बेटा जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस स्लाइड के लास्ट में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं स्लाइड को आगे करूंगा और आपको वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करके उनके जवाब पोस्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, आगे पीछे जो 3 से 4 क्वेश्चन और पेंडिंग हैं, वो मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन उनके जवाब आप जरूर यहां कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो आपका नॉलेज असेस करने के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, उन क्वेश्चन को पेंडिंग रखा जा रहा है आपका नॉलेज असेस करने के लिए। चलिए याद रखिएगा बेटा, इधर सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं पहले।
कि एक पेशेंट को नॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, पेशेंट ने अपने हाथ को नॉर्मली फ्लेक्स कर दिया, याद रखेगा। अगर आवाज देते ही पेशेंट ने क्या किया, आवाज देते ही तो पेशेंट ने अपना जीभ बाहर निकाल दी, तो आपने कितना रेस्पॉन्स दे दिया, 6। अगर पेशेंट को आपने पेनफुल स्टिमुलस दिया और पेनफुल स्टिमुलस देते ही पेशेंट ने पेन को लोकेट कर लिया तो 5, और पेशेंट ने अपने पेन को फ्लेक्शन कर दिया नॉर्मल फ्लेक्शन, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 4। याद रखिएगा इस केस में मोटर रेस्पॉन्स कितना आ जाएगा, 4। द राइट आंसर विल बी मोटर 4। द राइट आंसर विल बी मोटर 4। आप मेरे साथ जुड़े, आपने सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके भाई लोगों का भी भला हो। अच्छी क्लास लगी है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर लगें कैसी क्लास लगी, और बाकी क्वेश्चंस का प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन को स्लाइड्स में आपको क्वेश्चन को फ्लो करूंगा। आज की तरफ से मेरे लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्लस प्लीज क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन करें और कमेंट जरूर दें, याद रखिएगा।